आप ही ने तो मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूँ आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया है बापू? हम सबको अपनी आत्मा की आवाज़ ही सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूँगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूँ? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था मैं मानता हूँ बापू, लेकिन वो समय शांति का था। आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है, दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बापू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बापू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बापू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बापू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर, और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूँ, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष, फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊँगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तार। Putting me in jail is unjust. So I have no alternative but to register a moral protest. My fast unto death is to wake up the powers in London. शिशिर बाबू, ये खाना कौन खाएगा? आपके काका तो आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल? Listen, Mr. Bose. It's 2 weeks already. I will not allow you to die on my hands. Please understand. I'm not against you. It is the government you represent. I have an order here from the governor to feed you by force if you'll not eat on your own. Iskamu kolke kanakilao. Erupt if he dies in jail. What am I to do, sir? He refuses to listen to reason. A dead Sabash may turn out to be more dangerous than a live Sabash. I'm afraid I cannot guarantee that he will not die in jail. Then set him free. Let him go home. Sir. But see that he is kept surrounded by a wall of men day and night. बापू का तार आया है। क्या लिखा है? Regret inability to interfere notwithstanding regard and friendship for both brothers. Stop. Cannot lift ban without their apologizing for indiscipline. M.K. गांधी। लगता है बापू हमारे खिलाफ अड़ी गए हैं। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे विचारों के। जो भी हो, बापू ने कह दिया है कि सुभाष की जीत मेरी हार। और कांग्रेस कमेटी में तुम प्रेसिडेंट होकर भी अकेले पड़ गए थे ना? मुझे नहीं लगता बापू मानने वाले हैं। सारा देश उनके साथ है। बापू जैसा कोई मास लीडर है ही नहीं, और हिंसा के इस्तेमाल से ही उन्होंने अंग्रेजों को दो बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बापू ने अपने देशवासियों की नफ्स तो पकड़ ली है, मगर अपने दुश्मन के चरित्र को अभी तक नहीं समझा है। वरना इतनी बार धोखा खाकर भी अंग्रेजों पर भरोसा करके फिर से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने तो फैसला कर लिया है कि समझौते के दिन लग गए हैं और हमें आर पार की जंग का ऐलान करना ही होगा। और इस तार के जवाब में बापू को विलियम टेल पर लिखी कविता भेजना चाहता हूं जो बचपन में आपने मुझे सुनाई थी। किसी के सामने यह सर कभी झुकाए नहीं सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो, मेरे जमीर की आवाज मिट नहीं सकती। काकू, आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठो। रेडियो की आवाज बढ़ा देना जरा। जी। शिशिर, हमारा एक काम तुम कर पाओगे? जी काकू, बताइए क्या करना है। तुम गाड़ी अच्छी तरह से चला लेते हो ना? जी काकू। गुड, फिर शायद तुम्हें मुझे किसी दिन लंबी ड्राइव पर ले जाना पड़े। पर याद रखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो चाय देना भाई, एकदम गरम खबर है। क्या? अभी अभी शिशिर बाबू को कमरा में बुला के बात की सुभाष दादा ने। क्या बात की? सुनाई नहीं दिया रेडियो के कारण। रेडियो?
मतलब रेडियो की आवाज बहुत ऊंचा था इसीलिए नहीं सुना, पर फिर दादा ने मुझे कमरे में बुला के बताया कि वो आज फिर बैगन भाजा खाएंगे। सारा दिन खाने के अलावा तुम्हारा सुभाष बाबू और कुछ नहीं करता है क्या? पता नहीं क्यों सरकार इतना डरता है उनसे। एनी माय, तुम अंदर कुछ देखते सुनते भी ऐसे ही बोलते रहते हो। इधर आ, इधर आ, और देखता हूँ रिक्शा से कौन उतरा है। इला, ये चिट्ठियां आज ही पोस्ट करवा दो। जी। अस्सलाम वालेकुम मियां अकबर, मैं सोच ही रहा था आए क्यों नहीं। वालेकुम अस्सलाम सुभाष बाबू। इला, निमाई से कहो चाय ले आए। जी काका। कुर्सी करीब ले आइए, आपसे दिल की बात करनी है। जी, हम तो हमातन गोश हैं सुभाष बाबू, फरमाइए। बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूँ, मगर किसी ना किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे या फिर मेरी जान ही ले लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान छोड़कर रूस चला जाऊँ काबुल के रास्ते। आप तो एक बार हुआ है उस तरफ। जी हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। क्या रूस आपकी मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा, जो साम्राज्यवाद का विरोधी है वो अंग्रेज हुकूमत का भी दुश्मन हुआ ना, और यही कारण है रूस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक क्रांतिकारी फौज बनाने में हमारी जरूर मदद करेगा। अब वक्त आ गया है, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। भाई, आपकी फितरत बिल्कुल जियालों की सी है, पर इस वक्त आपकी सेहत साथ देगी। आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, आप बस मुझे सरहद पार करवा दें और फिर वहां से रूस। जी हाँ, वो दिल्ली पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए, और किसी मदद की जरूरत होगी तो बताइएगा। जी जी, शुक्रिया। Tell me, why did Akbar Shah come to see Bose? Sir, my information is that he came to consult Bose regarding the All India Forward Bloc conference in Delhi. And will Bose attend the meeting? No, sir. He's too weak to travel after his hunger strike. But he went to the Congress meeting on a stretcher. He had to, because Gandhi's men suspected he was feigning an illness. Whatever it is, see that he does not leave Calcutta. I do not want him out of my sight. Left to me, I would keep him in prison for the rest of his life. तभी तो मैंने सब कुछ छोड़कर सन्यास लेने का मन बना लिया है माँ। तो फिर क्या आप श्री औरबिंदो के पांडिचेरी आश्रम चले जाएंगे काकू? हो सकता है। ये भी कोई उम्र है दाढ़ी बढ़ाकर सन्यास लेने की, वो भी ऐसी हालत में? तुम चिंता मत करो माँ, इला पर्दे के पीछे मेरा खाना पहुँचा दिया करेगी, और जो मुझे चाहिए होगा मैं लिख कर आप लोगों को बता दिया करूँगा। तुझसे बात करना तो दीवार से सर टकराना है। शरत, तू ही समझाना इस पागल को। माँ, आज से पर्दे के पीछे रहकर मैं एकांतवास करूंगा। इस मौन व्रत में ध्यान करूंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, भोजन भी दिन में एक ही बार करूंगा। इस तरह 15 दिन तपस्या करने के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। मैं यहां रहूं या कहीं और, तुम्हारे दिल में ही तो रहूंगा ना।
बाकी रहने में खबर लाया हूँ। क्या सुभाष बाबू संन्यास लेने वाले हैं? क्या बकता है, सियासतदान भी कभी संन्यास लेते हैं? उल्लू का पट्टा। ठाकुर जी के कसम, बचपन में भी तो एक बार हिमालय भाग गए थे साधु बनने को। अगले 15 दिन अपने कमरे में ध्यान पूजा करेंगे। क्या है कि जो भी गांधी बाबा से उलझेगा उसके पास और क्या बचेगा करने को शिवाय सन्यासी होने के। हो सकता है मेरे जाने के बाद पुलिस यहाँ आए और तुम लोगों को ले जाए पूछताछ के लिए, शायद जेल भी जाना पड़े। टूटोगे तो नहीं? तुम दोनों घबराओगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो। लगता है आज बहुत जल्दी में है शिशिर बाबू। काकू अब आप सीट पे बैठ सकते हैं। पुलिस अब क्या होगा? आराम से गाड़ी रोको, बस इतना याद रखो तुम इस गाड़ी के मालिक हो और मैं तुम्हारा ड्राइवर जियाउद्दीन। अब ये क्या गाड़ी है? जी हाँ मेरी। क्यों क्यों क्या है? क्यों क्या, पुलिस का काम होता है सब पे नजर रखना। कलकत्ता का नंबर है, गाड़ी में कागज पत्र रखे हैं कि खाली है गाड़ी घुमा रहे हैं?
बोस 38/2 एल्गिन रोड सिसिर। पहचान वाला है क्या उन्हें तो आके का कहते हैं जय सुभाष चंद्र बोस। सुभान अल्लाह, क्या नजर रखते हैं दरोगा साहब। ये सुभाष बाबू के सगे भतीजे हैं। कभी सुभाष बाबू से मिलने का शरफ हासिल हुआ है आपको? जी नहीं। कभी ना कभी आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी। वैसे आगे धनबाद तक की सड़क पर कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे हमारे रहते यहाँ खतरा कैसा है साला। और सुनो, गाड़ी जरा धीरे चलाना सड़क पर, जंगली जानवर सामने आ जाते हैं। और तुम जा रहे हो साहब के साथ? ड्राइवर हूँ दरोगा साहब। तो ड्राइवर हूँ तो बचवा से गाड़ी कहे चलवा रहे हैं? मैं नहीं कहा था काका से। काका? जन्म से सुभाष बाबू के साथ रहा हूँ तो घर के सारे बच्चे काका काका कहते हैं। क्या हुआ दरोगा साहब? अरे कुछ नहीं हुआ, गेट खोल दे। खुदा हाफिज। रिलैक्स, जंगली जानवर तो कोई दिखा नहीं उस दरोगा के सिवाय। सॉरी काकू, मैं एकदम घबरा गया था। ये सब नाटक मुझसे नहीं होता। शिशिर, तुम यहाँ? खबर तो की होती। मैं सुभाष काकू के साथ आया हूँ। काकू कहाँ है? हैं, पर वो काकू नहीं है, वो मोहम्मद सियाउद्दीन है, इंश्योरेंस एजेंट। रात तक उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें काल का मेल पकड़नी है। मालिक, आपसे कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिलने आया है। मैं चला मीरा बोदी के पास। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते। सामान ले लो, आइए। मिस्टर अशोक कुमार बोस, माई सेल्फ मोहम्मद जियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट। आपको मुझसे क्या काम है? आप इंजीनियर हैं, आप तो जानते हैं कोयले की खानों में कितना खतरा होता है। खतरा तो है मिस्टर जियाउद्दीन, इस काम में बहुत खतरा है, पर इस समय मुझे इंस्पेक्शन के लिए माइन पे जाना है। आप शाम को आकर आराम से बात कर लीजिएगा मुझसे। शाम को? मैं झरिया से बामुश्किल तमाम आपसे मुलाकात करने आया हूँ, बस 10-15 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। अच्छा सुनिए, आप लंच के लिए घर वापस आ रहे हैं ना? मेरी वाइफ मीरा और मेरा छोटा भाई शिशिर। आदाब। माफ कीजिएगा मिस्टर जियाउद्दीन, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप यहीं आराम कीजिए, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगा। मीरा, मिस्टर जियाउद्दीन भी हमारे साथ लंच करेंगे। लेकिन वो तो मुसलमान है। मेरा खाना आप यहीं भिजवा दीजिएगा मैम साहब। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर बोस, मैं जाते ही आपकी पॉलिसी भिजवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं मिस्टर जियाउद्दीन, ऐसे कामों में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बोस, और मेम साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा, मैंने बहुत जहमत दी है आप लोगों को। अब इजाजत चाहता हूं। मैं आपको मोटर से स्टेशन तक छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद तलाशने का आदी हूं, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। साहब का सामान दो। मिस्टर जियाउद्दीन, वुड यू लाइक अ लिफ्ट? यस, थैंक यू। है गए थे तुम लोग? मुझे लगा आज सचमुच पैदल स्टेशन जाना पड़ेगा सारा सामान लेकर। सॉरी काकू, नौकरों को दफा करने में बड़ी देर लग गई। काकू कैमन आज हो तुम्हीं? मीरा
काकू, सॉरी काकू, मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि... तुमने बिल्कुल ठीक किया मीरा, किसी को शक भी नहीं हुआ कि तुम मुझे जानती हो। हाँ, लेकिन मैं... आप अभी घर चलिए, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको घर ले जाऊंगी। नहीं नहीं मीरा, फिर तो सबको शक हो जाएगा, और वैसे भी बहुत दूर जाना है मुझे अभी। जनाब, मैं चलता हूँ, अब आप लोग भी जाइए। खुदा हाफिज़। कुली, सामान ले लो। A letter we intercepted from the Bose household. A letter from Bose to Dilip Kumar Roy. Interesting. How I wish I could just withdraw from the world and join you in Pondicherry. It seems he might leave for Pondicherry soon. Increase security at his house. Keep a watch on all trains leaving Calcutta. Be especially watchful of anyone who looks like a sadhu. Sir. Bojh kitna ho mushkilon ka magar na jhuka hai na jhuk sakega ye sar zinda phir bhi rahega mera zameen jism ko maut bhi a jaye agar तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा अब तो जो भी होगा देखा जाएगा यदि तोर लक्ष्मी के मैं पिछले तीन दिनों से देख रहा हूँ शाह साहब जब भी ये फ्रंटियर मेल आती है आप स्टेशन चले आते हैं किसकी तलाश है कोई नहीं जी वो हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं hmm.
ताजमहल होटल चलो। लाइए साहब। कहाँ चलेंगे जनाब? ताजमहल। अच्छा जी, चल चल चल। ताजमहल होटल कहाँ है? इस तरफ। मुझे बखार रंग ले खश में बखार रवर से दे कॉमरेड बॉस को सुर सलाम लाल सलाम। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जियाउद्दीन है। जपोएगम जपोएगम जाबात खानियम सेक्रेटरी कीर्ति किसान पार्टी। मियां अकबर शाह पुलिस के अंदेशे से नहीं आ पाए, मुझको भेजा आपका हाल चाल पूछने के लिए। पुलिस आपका भी तो पीछा कर सकती है। फिक्र मत खबा, इसलिए तो पीछे के रास्ते से आया, हम कम्युनिस्टों की तो आदत है ना। वैसे अब आपको मेरे घर चलना है। लेकिन आपका घर भी तो पुलिस की नजर में होगा कॉमरेड। फिक्र मत खबा, ये पुलिस वालों की नजर तो बड़ी बड़ी मछलियों पर होती है, जब तक उनको खबर लगेगी आप तो पहुंच चुके होंगे मास्को। मास्को एक गरीब पठान का घर। पुड़ते पुड़ते खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए आइए जनाब। और बताइए सफर कैसा रहा जनाब जियाउद्दीन साहब? अब तक तो अच्छी कट गई, पर अब मुझे आगे जाने का इंतजार है। पानी लीजिए। हाँ। अरे भाई कंडोली में नहीं, साफ ग्लास में पानी दो। ना 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 ना, हेत सम रखेगी। पठान कंडोली में ही पानी पीता है। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। बस अब अगर आप शलवार कमीज पहन ले तो पूरे पठान लगेंगे। वो तो ठीक है, पर अब मुझे काबुल और वहां से सोवियत रूस तक ले जाने का क्या इंतजाम हुआ है? तशरीफ रखिए, अभी तो आप आ ही रहे हैं, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा? देखिए हफ्ते भर में खबर फैल जाएगी कि मैं कलकत्ते से निकल चुका हूँ, उससे पहले पहले मेरा रूस पहुंचना बेहद जरूरी है। आपने पार्टी की तरफ से किसी को मॉस्को भेजा है कि नहीं? भेजा था, कॉमरेड राम किशन और सरदार अचर सिंह चीमा को भेजा था, मगर वो ऐसा हुआ कि यहाँ आते ही मुझे पता लगा कि अमू दरिया पार करते वक्त कॉमरेड राम किशन डूब गया और सरदार अचर सिंह चीमा को रूसी सरहदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी अभी तक रूसियों से कांटेक्ट ही नहीं हुआ? हो जाएगा सुभाष बाबू, कीर्ति किसान पार्टी के कॉमरेड भगत राम तलवार का रूसियों से बड़ा अच्छा रिश्ता है, वही आपको काबुल और वहां से मास्को ले जाएगा। ना 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 ना, अरे मैंने तो पूरे गांव वालों को बोल दिया है कि मैं जा रहा हूं कॉमरेड बोस के साथ मास्को। क्या आपने सारे गांव को बता दिया? और किस किस को पता है कि सुभाष बोस यहां है? ये तो अंडरग्राउंड का तरीका नहीं हुआ कॉमरेड,
माँ वो बखाई माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी पोशाक का इंतजाम हो गया। इतने बड़े देशनायक और इतने दिनों से चुप हैं? सुभाष बाबू गूंगे हो गए क्या? गूंगे नहीं हुए हैं, उन्होंने मौन व्रत लिया है। गांधी जी भी तो हर मंगलवार को मौन व्रत रखते हैं कि नहीं? पर सुभाष चंद्र बोस गांधी नहीं है, उनकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। और कुछ नहीं तो वो यही बताएं कि वो इतने दिनों से खामोश क्यों है। आप अपना यही सवाल लिख कर क्यों नहीं दे देते? अगर वो ध्यान में नहीं हुए तो फौरन उत्तर दे देंगे। अब तो आप पूरे पठान लगते हैं। पर कबायली इतने नहाए धोए नहीं होते। फिक्र मत खवा, बस चार रोज दिन रात यही कपड़े पहने रहिए, बिल्कुल कबायली पठान लगने लगेंगे। वो को रहा गा कॉमरेड भगत राम तलवार दे आवाज खानिया राजा पुर्त राजा। ये रूस तक जाने में आपकी मदद करेगा। सूर सलाम सलाम रस रस। सुभाष बाबू यह है कॉमरेड भगत राम तलवार, बड़ी कुर्बानियां दी इनके खानदान ने। इनके बड़े भाई हरकिशन को तो फांसी हुई थी। मैंने बहुत सुना है शहीद हरकिशन तलवार की बहादुरी के बारे में भगत राम जी, इसीलिए शायद सोचता था कि भगत राम कोई लंबा चौड़ा पठान होगा। इनके खत पे ना जाइए, ये जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के नीचे भी। अब जैसे भी हैं, अब से आपके भांजे रहमत खां और आप है तुम्हारे मामू खान मोहम्मद जियाउद्दीन खां। अपने मामू को सलाम करो। अब आपको जवाब में कहना है पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब शाह। पखैर वो से जोड़ वो से खैर दे नसीब शाह। ना 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 ना, मुंह खुलते राज भी खुल जाएगा। अब दो दिन में तो पश्तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको। अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो कमाल की बात करते। अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड। लेकिन इंसान गूंगा भी तो होता है। अच्छी नजर है वल्लाह, मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई, इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूँ। सुभाष बाबू हम यही रुकते हैं, बाहर पुलिस से खतरा है। जी बेहतर है कॉमरेड आबाद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब पमख देखा आपको आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आजादी नसीब हो, द खुदाई पामान। सुर सलाम सुर सलाम। खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। यदि तोर डाक शूने के उगाया शे तो भी एकला चोरे, यदि तोर डाक शूने के उगाया शे तो भी एकला चोरे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि तोर डाक शूने के उगाया शे तो भी एकला चलो रे। बाजी पे लगाने की खातिर हम जाने हथेली पर लाए, बाजी पे लगाने की खातिर हम जाने हथेली पर लाए। अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए। अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए। यदि तोर डाक शूने के उगाया शे तबे एकला चलो रे, यदि तोर डाक शूने के उगाया शे तबे एकला चलो। रुक जा, क्या नाम है तेरा? रहमत खाना। रहमत खान कहाँ से आया? नौशेरा से। नौशेरा,
और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। हाँ, खबर नशीक वाले गूंगा है। हाँ। बेजुबा निकला था क्या माँ के पेट से? ना 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 ना, सब यश्ता हवलदार साहब, पिछले साल पता नहीं कैसा बुखार आया कि आवाज जाती रही, इलाज के लिए अड्डा शरीफ पे लेके जा रहा हूँ। बड़ा बड़ों की बोलती बंद करवाना और गूंगों का मुंह खुलवाना खूब आता है। सबब हो क्या? जबान दिखा मामू। आ आहिस्ता। देर सख्त, बड़ा पेचीदा मामला है। जरूर ज़ियारत पे ले जाओ इसे, शायद बाबा की बरकत होगी तो गरीब की जुबान खुल जाएगी। ठीक है ठीक है। ओए, इसे फिटकरी का कुल्ला करवाओ। अच्छा। जुबान नरम पड़ जाएगी। सही। शुक्रिया हवलदार साहब। सही। 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 इला जी, ये पायश अपने काकू को दे देना और कह देना कि अपने जन्मदिन पर भी अगर उसे अपनी माँ के पैर छूने की याद नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। हैप्पी बर्थडे काकू। आप चाहे तो थोड़ा रुक के दम ले लें सुभाष बाबू। ओ तलवार, कितना सुंदर देश है ये। अरे इन पहाड़ों और पत्थरों में सुंदर क्या दिखा आपको? आजादी, ये देश आजाद है इसलिए खूबसूरत है। एक रुपए का सिक्का है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, लेकिन यहाँ क्या खरीदना है आपको? हाँ? मुझे अंग्रेजों के शहंशाह को जूता मारना है। हाँ? हाँ? और उनके पिट्ठू वायसराय के मुंह पे थूकना है मुझे। थूक। मैं भी जूता मारता हूँ। ये ले, ये तेरी की, दांत तेरी की। ठीक तो है ना? पता था वो कुछ ऐसा ही करेगा। बेटा तू सुभाष की कुंडली लेके कालीघाट जा, स्वामी जी से पूछना, वही बताएंगे कि किधर गया होगा सुभाष। तुमने भी नहीं देखा काकू को चाहते हो? तुम्हें तनख्वाह किस काम की नहीं मिलती है? इस गेट पे नजर रखने के लिए एक 6 फुट का आदमी इस गेट से नहीं गया तो क्या हवा में गायब हो गया? गायब? This is ridiculous. Chasing sadhus all over the country, pulling off their beards. And what have you to show for it? Sir, here's a report that says he's gone to Bangkok to become a Buddhist monk. Rubbish. Next you'll be telling me he's gone to Afghanistan to join the fakir of Ipi. निजात मिलते है उनको यकीनन करे जो कल्ब से जिक्र अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिक्र से सर कटता है नफस का, बेशक जिक्र है सैफुल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिक्र अमन है, जिक्र है फता, जिक्र शिफा है, जिक्र है दवा। अल्लाहु 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 अल्लाह। अल्लाहु बाकी मिन कुल फाल अरफना है सब वबका बिल्लाह।
यूनानियों को किसने शिकस्त दी? हमने। शकों को किसने मात दी? हमने। हुनों को किसने हराया? हमने। ईरानियों और तुरानियों को किसने भगाया? हमने। और अब अंग्रेजों की बारी है। दोस्तों, मुजाहिदों, आज अड्डा शरीफ के इस मुकद्दस मजार पर हम फकीर का चोला पहनकर नहीं बल्कि मुजाहिद आजादी के भेष में हाजिर हुए हैं। अफगानिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर डूरन लाइन तराश के हमारे दिलों को चाक किया है इन फिरंगियों ने, और पश्तून कौम इस बंटवारे को कभी मंजूर नहीं करेगी। और आज हम अकेले नहीं हैं, इतालवी और जर्मन कौमें इस जिहाद में हमारा साथ दे रही है। अल्लाह ताला ने इन अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करने के लिए ही हमें इस दुनिया में भेजा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इतनी फकीर बहुत पहुंचे हुए आदमी सुभाष बाबू, कहते हैं हाथ लगा दें तो कंकड़ बम बन जाता है और पेड़ की टहनी तलवार। अगर ये एक सनकी मुजाहिद की बजाय एक मास लीडर होते तो हमारे लिए बड़े काम के आदमी होते। कुछ लोग इन्हें पागल पीर भी कहते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, पुलिस वाले पांडिचेरी तक गए उसे तलाशने के लिए। पुलिस क्या ढूंढेगी उसे? पुलिस वाले तो उसे पकड़ के ले गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे मेरे सुभाष के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, आज सारा देश चिंतित है तुम्हारे बेटे के लिए। ये रहा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का तार। डीपली कंसर्न्ड ओवर सुभाष's डिसअपीयरेंस, कन्वे टू मदर माय सिंपैथी, स्टॉप, काइंडली कीप मी इनफॉर्म्ड, रविंद्रनाथ। चरण बाबू, मिस्टर गांधी का टेलीग्राम आया है। जी। लीजिए। महात्मा जी सुभाष के फरार होने का कारण पूछ रहे हैं। बेटा शिशिर, वो कालीघाट के स्वामी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था एक न एक दिन काकू घर त्याग देंगे। उन्होंने काली माँ को भी जगाया और काली माँ उन्हें दर्शन देके खुद बताया कि काकू सन्यासी हो गए। दादा के बूट भी नहीं मिलते हैं। अगर वो सन्यासी हो गए होते तो क्या बूट पहन के जाते? कौन से? वो वॉकिंग शूज? वो तो शिशिर दा ने मरम्मत के लिए दिए हैं। हाँ, सोल लगा दीजिए बचीने बाजरे। तुम आता था कि तू भी जाओ ना। शरद बाबू, गांधी जी को क्या जवाब दूं? लिख दो कि लगता है सुभाष ने शायद सन्यास ले लिया। I
पुलिस का कहना है कि मुमकिन है बोस ने फरार होकर दक्कन के किसी आश्रम में पनाह ली होगी। निकल गया अरे पुलिसियों को चकमा देगा, निकल गया रे मुसदीलाल। बेटा यार ये ले सारे गाँव को मेरी तरफ से शेर से हलवा खिला। बंगाल का शेर सुभाष अंग्रेजों का पिंजरा तोड़ के फिर निकल गया रे। अच्छा ये लो एक शेर हलवा सेठ जी की तरफ से मुफ्त। मुफ्त क्यों? वो कोई सुभाष कहीं से भाग गया है। मामू इन अफगानों की तरह इनके शेर भी चार गुने होते हैं। तुम ऐसा करो आधा बांध दो, घर जाके तुम्हारे सुभाष को दुआएं देंगे और खा लेंगे। अच्छा जी ना हिंदुस्तानी है? कौन सा है? नौशेरा पेशावर के पास बराए मा ठोल मालूम है, हमको सब मालूम है। वैसे हिंदुस्तान में ये सुभाष कौन है जानता है तुम? और जिसके नाम से ये खबीज लाला आज दिल दरिया हो गया है कौन है? नबुएगम। नौशेरा में कोई नहीं है इस नाम का। आप हलवा खाओ खान। अच्छा खाते खाते निकलते हैं मामू। हम तो तुमको पहली बार देखा है। मेरा दोस्त जमानिया बरसों से काम कर रहा है। जमानिया ने मिखाइल आंद्रेविच उसे क्या तुम्हारे सफीर को भी जानता हूँ मैं। तू रूस से सफीर को जानता है? मैं काबुल के शाह को जानता हूँ। तो इधर बिना पास के सिफारिश खाने के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब दफा हो जाओ। अरे तुम तो कहते थे यहाँ तुम्हें सब लोग जानते हैं। आप गूंगे, मैं इनसे बात करता हूँ। मैडम आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए। ये खत कॉमरेड कोसलोफ को पहुंचाना है। एम्बेसडर कोसलोफ ये दुरुप उनका दोस्त। गस्पाजा प्लीज अर्जेंट इम्पोर्टेंट पजल उस्ता। मैडम प्लीज पजल उस्ता पजल उस्ता। तुम इधर रूस सिफारत खाने के सामने क्या करते? नहीं, नहीं, बराए मैं ठोल मालूम है। नहीं वो रूस का लड़की को चेड़ती पता पूछता है। चिलगोजी अगर दिखेगी ना इधर तो तुमको पकड़ के कोतवाली में बंद कर देगी। सुअर का बाची जी जी मामू। अल्लाहु अकबर किसी भी कीमत पर हमें रूसियों से कांटेक्ट करना होगा। कलकत्ता से काबुल में यहाँ इस सराय में आराम करने नहीं आया। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं खुद चला जाता हूँ। अरे आप इन रूसियों के तौर तरीके नहीं जानते सुभाष बाबू। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरे दोस्त जमान के मिलते सब ठीक हो जाएगा। ए सारा चिलगोजे का बच्ची खबीज का औलाद क्या करती तुम लोग? कौन लोगे तुम लोग बोलो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अब हमने क्या किया है? किया तो नहीं है लेकिन करेगा जरूर। बराए मैं ठोल मालूम है। तुम कब आ रहे हो इधर काबुल में? जो भी कोई मशगूल किरदार आता है उसके बारे में हमको आला अफसर को रपट करना पड़ता है। बोलो तुम लोग काबुल क्यों आए? देखो खान मेरे मामू की आवाज चली गई थी पिछले साल बुखार के बाद। अच्छा मेरे वालिदा ने इलाज कराने के लिए यहाँ भेजा है। वाकई? हाँ। पोयगम तो सुअर का बच्ची उधर रूसी सिफारत खाने में किसका इलाज करती तुम? बराए मैं ठोल मालूम बस। कहते हैं रूस में इलाज बहुत अच्छा होता है आजकल। मामू आराम करो। सुनो बच्ची खान के शाने पे हाथ लगाने का पैसा लगती है जानती तू? खान पैसा खाता है। उधर चलो चलो ये लो देती है ठीक। लेकिन खा पड़ता
आज कोई गड़बड़ नहीं करना, बराए मैं ठोल मारू मस्त। उसे पैसे क्यों दिए? उसका शक यकीन में तब्दील हो जाएगा। हमें इस सराय को छोड़ना होगा, वरना ये पुलिस का दस्ता लेकर जरूर यहाँ आएगा। ये कुछ नहीं करने वाला, इसके हाथ में कुजली है। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी लीडर को लेके आया हूँ। ओ यजनायो, पता है सुभाष चंद्र बोस। तुम्हें मालूम है? हाँ। उन्हें सोवियत यूनियन पहुंचाना है। तुम तो कॉमरेड हो राम, फिर ऐसे आदमी की क्यों मदद कर रहे हो जिसने कहा है कि हिंदुस्तान कभी भी कम्युनिज्म को नहीं अपना सकता? दा, पर पार्टी नहीं भेजा है मुझे उनके साथ। यासना, पार्टी हिंदुस्तान में अभी नहीं है। तुम्हारे दोस्त अचर सिंह चीमा ने कॉमरेड स्टालिन से भी चंद्र बोस की मदद करने के लिए कहा है, पर यूरोप में बसे सीनियर हिंदुस्तानी कांग्रेस का कहना है कि चंद्र बोस क्रांति के लिए किसी काम के नहीं है। इस तो थे गवारिश जमान, मैंने उनसे वादा किया है कि तुमसे मिलते ही सारा काम हो जाएगा। तो फिर कह देना जमान मिला ही नहीं। जमान तो मिला नहीं, लेकिन आप परेशान ना हो सुभाष बाबू, मास्को तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। क्या चिल्को से कपाची? अभी तुम इधर ही पड़ा है। तुमको तुम्हारे मामू का इलाज के बाद से कोई अच्छे अस्पताल नहीं मिला? बराए मैं ठोल मालूम, मेरे को सब मालूम कि क्या इलाज कराते तुम अपने मामू का इधर का बोल रहे। अरे बताए ना, खबर खबर ना खो सुअर का पाची। याला कसम, ये तुम्हारे मामू का सोने का घड़ी तो बहुत ही अच्छी है। देखो खान, घड़ी को हाथ मत लगाओ, मामू की घड़ी हमसे बात करो। अच्छा, ये लो तुम्हारा मामू का घड़ी। अब तुम दोनों को कोतवाली ले जाएगा, वहां मार मार के तुम्हारा काल लाल करेगा, तब तुमको पता चलेगा। चलो मामू को छोड़ो, मामू को छोड़ो, चलो। अरे दौड़े पड़ते हैं उनको। अभी तुमको क्या चाहिए? पैसे तो तुम पहले ले चुके हो मुझसे। ये चाहिए, ये सोने की घड़ी, ऐसे कान का, मेरे का बच्चा, कान के मुंह लगता है चिलगोजा सा। वेल डन सुभाष, ये घड़ी आईसीएस का इम्तिहान पास करने का इनाम है। धन्यवाद बाबा, पर मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? इसलिए कि ब्रिटिश राज और हिंदुस्तान की सेवा साथ साथ नहीं की जा सकती है बाबा। आईसीएस पास होने पर बाबा ने दी थी, आईसीएस मैंने छोड़ दिया, उसने छोड़ा दी। अब हमें यह सराय भी छोड़ देनी चाहिए तलवार। ये तो जर्मन एम्बेसी है, रूसी एम्बेसी तो सामने है। शायद जर्मन को यहीं काम बन जाए। एक मिनट, वो देखो सोवियत सफीर कोसलोव अपनी बीबी के साथ। आप यहीं रुको, मैं इनसे सीधे बात कर लेता हूँ। कॉमरेड कोसलोव, कॉमरेड कोसलोव, कॉमरेड कोसलोव, लिसन प्लीज। I have someone with me who is seeking asylum in the Soviet Union. There he is, Subhash Chandra Bose, the Indian revolutionary, former president of the Congress. How do I know that the man with you, Subhash Bose? He looks like an Afghan to me. No, comrade, believe me, he is Subhash Chandra Bose. Hamari party ne bheja hai hamein. Если ты даже босс, я не могу помочь вам ничем. Comrade, please, please, пожалуйста, пожалуйста. मेरी बात समझा ही नहीं। तुमने उन्हें बताया कि नहीं कि मैं सामने खड़ा हूँ? बताया, बहुत बताया। वो बोला कोई अफगान है, सबूत मांगा। आप फिक्र ना करो, एक बार जमान मिल गया सब ठीक हो जाएगा। बात करता है, अफगान है। छोड़ो उन्हें, तुम उस पहरेदार को अपनी बातों में उलझाओ, मैं सीधे अंदर घुस जाता हूँ। बिरादर सूक्ष्म सूक्ष्म, दो घंटे से दिमाग चकर गिननी हो गया, ये पता किधर है? सीधे जाके राय। Ich bin Subhash Chandra Bose. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Herr Bose, what a coincidence. I was just reading about your escape. Pilger, Hans Pilger, please. I need your help, Herr Pilger. I wish to seek asylum in your embassy.
It was very rush of you to come here like this. Kabul is crawling with British agents. All the more reason why you should give me shelter here. We cannot have you here. There are many Afghans working in this place. Some of them could be spies. Please understand, Herr Bose. Asylum cannot be given at a moment's notice. There are procedures. I must consult Berlin. I must inform my colleague, the Italian ambassador. Herr Pilger, the Sarai I'm staying in has already been visited by the police. I need to get out of Kabul. Can you help me do that? There is only one way, through Russia. For that, you need a transit visa. It is not so easy. Then what do you suggest? I can promise you this. I will contact my foreign office immediately, and I'll let you know as soon as possible. In the meantime, I suggest you stay at the Indian quarters in Shore Bazaar. उत्तम चंद मल्होत्रा जी हैं। आज पता चल रहा है कि खबर। जी, कहो जी। सूर सलाम। आपने उस कामरेड का नाम सुना होगा जो पंजाब गवर्नर के कत्ल की साजिश में फांसी चढ़ा था। आप हरिकृष्ण तलवार की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं उन्हीं का भाई हूँ। एक सियासी काम के सिलसिले में आया हूँ, आपकी मदद की दरकार है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारोबार छोड़ के काबुल में तंदे के लिए आया हूँ, सियासत के लिए नहीं। फिलिप्स रेडियो एरियल बॉर्मा योक दुशांबा कुनाकी मर्से। आप झूठ बोल रहे हैं कॉमरेड, वरना कस्टमर को आप ऐसे चलता नहीं करते। तुम चंदे के वास्ते आया है? नहीं, इतने छोटे से काम के लिए नहीं आया हूं आपके पास। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर जो अंग्रेजों को धत्ता देकर आया है, उसी सियासी पनाह गुजीन को छिपाने की जगह चाहिए। किसको छुपाना है भाई? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सुभाष चंद्र बोस को छुपाने के लिए ले आए हो। जी हाँ, हाँ जी। सुर सलाम। सुभाष बाबू, सुभाष बाबू। अबे तो उतार लो आप, बिल्कुल पीक चुकी हैं। इंडिया के बाद पहली बार लग रहा है अपने घर आए हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मेरा गरीब खाना आपके वास्ते कहाँ। मैं क्या जी? ऐ दोनों मुस्टंडे ऐसे ही ठहरेंगे? और कितने जानगे? लगवान तो चले आ रहे हैं बेचारे, उतो बिरादरी वाले। बिरादरी वाले पहले तो नहीं वेखे? ए नविया नविया रिश्तेदारियां कि थोला बलिया रहे हो? दूर ते हैं। दूर ते कोल दी गली नहीं। ए मुसलमान भला खतरिया दा रिश्तेदार कदों तो होण लगे? ओए होले बोल, होले बोल। सुन ले दादा, उन्ना वास्ते कुछ खाना वाना बनाएंगे कि नहीं? खाण पीण दी गल तो ठीक है जी आया ना, पर इत्थे ठहराण दी गल ना करना। शुक्रिया उत्तम चंद जी, मजा आ गया। घर के खाने की बात ही कुछ और है। रामो जबान की कड़वी है पर हाथों बड़ा स्वाद है। अब लग रहे हो आप देश नायक सुभाष चंद्र बोस। अब आप आराम कीजिए, सब यही समझ रहे हैं कि आप सन्यासी हो गए,
पर मैं तो अभी ग्रस्त हूँ, मुझे तो अपनी करवाली के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा सोई नहीं उड़ तक। मेरी नींदर दी बड़ी फिक्र लाई है तुसी, ताइयों दोनों उचकिया नू कोठे वाले कमरे विच लुका दिता है। साफ क्यों नहीं दसते कौन है दोनों? दसता चुके हैं। पता है ना मैं अन्नी हाँ ना मैं डोरी, सुनता भी है तो दिसता भी। छुप छुप के जासूसी करनी है। क्यों नहीं, मेरे बाबू जी ने छड़ाए सी तो नहीं था पैर इंदे जेल। बाबू जी बाबू जी वड़ गए तेरे बाबू जी। उन इत्या कर पैर है ना बदमाशा दे चक्कर इस पैर है। ओ होले बोल, किसी ने सुन लिता था ता? पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना उचकिया नू, चंगा ही छोएगा। तब वो पता भी है कौन? सुभाष, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आप जी को कोई चोर उचक्या समझ बैठी थी मैं मर जानी। पिछले जन्म जरूर मोती दान देता सी, तभी आप जैसे की सेवा करने का मौका मिलिया। इस छोटे से घर में आपको तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ कैसी, भरे पूरे घर में रहने का अपना मजा होता है। फिर आपने कभी करवर बसाने की नहीं सोची? सुभाष बाबू, भगत राम को आपने कहीं भेजा है? वो जर्मनों से मिलने जीमेंस के दफ्तर गया है, पर पता नहीं वहां कुछ कर पाएगा या नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कीर्ति किसान पार्टी और भगत राम तलवार पर भरोसा करके मैंने कोई गलती तो नहीं की। बात ये जी, भगत राम बातें बहुत करता है पर काम तो वो, मुझे लगता है उसकी कुछ मजबूरियां हैं। बेहतर होगा अगर मैं किसी तरह अकेले रूस पहुंचने की कोशिश करूं। रूस की सरहद तक पहुंचना तो आसान है, पर उसके बाद एक सदे हुए गाइड की जरूरत है। कहते आगे खतरा ही खतरा है। यहाँ कौन से कम खतरे हैं उत्तम चंद जी? क्या कहा टॉमस ने, कोई जवाब आया बर्लिन से? ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कल इटली के सफीर से मिलने को कहा है। पहले रूसी, फिर जर्मन, अब इटालियन। Congratulations, Mr. Bose, on your successful escape to Kabul. Thank you. But exile in Kabul is not the purpose of my mission. It is just the first step towards liberating India. We need your help and cooperation. How can we help you? I would like you to persuade Rome to recognize our government of free India in exile. Once Rome agrees, then Berlin and Moscow will follow. When our government is recognized, I propose to raise an army of liberation to march into India through the Soviet Union. Mr. Bose, much as we would like to help you, I know that in the Rome-Berlin axis, Berlin is the dominant partner. The first step towards recognition of your government has to be taken by Berlin and only by Berlin. Then get me to Berlin. I'll try my best to do that. But like I said before, Berlin will have to give the go-ahead. But I have already met the Germans, and they asked me to get in touch with you. And now you tell me that everything depends on the Germans. Mr. Bose, I personally believe in your cause, and I will do everything I can to get you to Berlin. Thank you, Senor Quaroni. In the meantime, how can we contact you? Through Mr. Uttamchand Malhotra of the Shore Bazaar. Subhash Babu, kya khabar hai Uttamchand ji? खबर अच्छी है, आपको रूस ले जाने के लिए एक अच्छे गाइड का इंतजाम हो गया है। क्या गाइड? हम ठीक नहीं कर रहे हैं। जब कॉरोनी ने कहा है कि वो कोई रास्ता निकालेगा तो हमें इंतजार करना चाहिए। 52 दिन तो हो चुके हैं, आप क्या 52 हफ्ते इंतजार करेंगे? पहले रूसियों ने हमें ठेंगा दिखा दिया, फिर जर्मन ने कहा कि इटालियंस के पास जाओ, अब इटालियंस कहते हैं कि फिर से रूसियों को पूछना पड़ेगा। यूं गोल गोल घूमने से तो बेहतर है कि हम खुद मजार शरीफ से दरिया पार करके सोवियत रूस पहुंच जाएं। पर सुभाष बाबू, अमू दरिया बहुत खतरनाक है, कहीं एहसान हो मरहूम कामरेड रामकृष्ण की तरह धारे में। तुम्हें धारे से डर लगता है तो मत जाओ। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। बैठे बैठे तीन सेर हलवा चट कर गया, पैसे कौन देगा? डर बेक राम, फिक्र मा करो, पैसे मिल जाएगा तुम्हारा, मेरे साथ वालों को तो आने दो। कौन दे रहा भाई तुझ पे दौलत उठाने? है तो बंदे, उन्हें रूस तक लेके जा रहा हूँ, कोई आसान बात नहीं है। किसे लेके जा रहा है?
तुम्हारे मुल्क के तो पठान है। आगा जी गोरा, वो देखो हवलदार साहब उड़ालल। ऐ हराम का बच्चा बात तक किधर है? उधर रुको, ऐ रुको, रुका रुका इधर। किधर भागते हैं? किधर भागते हैं? मामू भांजे को रूस ले की जाएगी। बड़ा है मठोल मालूमस, उन दोनों पर मेरी पहले से ही नजर थी। अब तू बता क्या लगते हो तेरे हवलदार साहब? क्या लगना? हवलदार साहब देखा क्या प्लान बनाया था आपने कॉमरेड? अनपॉलिटिकल, सब चौपट कर दिया। अब बेवकूफ गाइड सब कुछ उगल देगा हम लोगों के बारे में। अरे उसे कुछ पता होगा तब ना, मैंने उसे थोड़ी बताया है किसे सरहद पार करानी है। उत्तम चंद जी, पुलिस का डंडा पड़ता है ना तो। तजुर्बेकार कैदी है, कत्ल के जुर्म में 2 बार जेल हो आया है। तजुर्बेकार कैदी क्या होता है तुझे क्या पता? 2-4 दिन पिट पिटा लेगा पर मुंह नहीं खोलेगा। कुछ भी हो उत्तम चंद जी, उस पुलिस वाले पर हमारी असलियत जाहिर हो चुकी है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी हम पर शक होने लगा है। इससे पहले कि ब्रिटिश पुलिस आपके घर आ जाए हमें फौरन यहाँ से चलना होगा। सुभाष बाबू जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? अब तो ना आगे जा सकते ना पीछे। बस मिस्टर महोत्रा प्लीज। कोई फिरंगी मेम सब आपसे मिलने आई है। मैं देख के आता हूँ। Sorry, madam, you had to wait for me. What can I do for you? I'm Signora Quaroni, wife of the Italian ambassador. Tell me the message. These are the formal papers. The Axis powers will be happy to welcome Mr. Boss. Ask him to follow the instructions in the attached note. मुझे ये ठीक नहीं लग रहा सुभाष बाबू। आपको रूस ही जाना चाहिए था। मैं भी वही चाहता हूँ। पर रूस क्या चाहता है तुम भी नहीं जानते। मुझे डर है कि ये फासिस्ट इटली और जर्मनी वाले आपको भी वैसे ही ना नचाएं जैसे वो पागल पीरीपी फकीर को घुमा रहे हैं। बरसों से अंग्रेजों की नींद हराम करने वाला इतना पागल भी नहीं हो सकता। खैर रूस ना सही जर्मनी ही सही, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। लाइए। नहीं चलो। उत्तम चंद जी आपने तो मुझे अपने एहसानों से लाद दिया है, पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगा। ऐसा मत कहिए सुभाष बाबू, एहसान तो आपने किया हमारे साथ रहकर। आपकी सेवा करके ऐसा लगा जैसे आजादी के काफिले में हम भी 2 कदम साथ चल रहे। सुभाष जी नाना करना तो अनुरब दवास था, ये 3 गिन्निया मेरी माँ दिता से, ये मेरी तरफ हिंदुस्तान की आजादी के लिए साढ़े वतन दी सदके। Is your new passport. Orlando Mazzota. But that's not my name. The Russians are reluctant to give you even a transit visa, so you have to travel as Mazzota through Russia to Germany. From now on, you will be Count Orlando Mazzota, radio telegraphist. First Mohammed Ziauddin, an insurance agent. Then Ziauddin Khan, a mute tribal Pathan. And now an Italian count. क्या क्या ना हुआ है वतन तेरे प्यार में। आई होप यू हैव अ गुड जर्नी सिग्नोर मज़्ज़ोत्ता। थैंक यू सिग्नोर कारोनी। नाउ यू विल नीड दिस। थैंक यू सिग्नोर। थैंक यू सिग्नोर। तलवार मैं पहुंचते ही खबर कर दूंगा। काश मैं भी आपके साथ चल पाता, कम से कम मॉस्को तक। मॉस्को फिर चले जाना कॉमरेड, अभी मेरा ये संदेशा फॉरवर्ड ब्लॉक के साथियों को कलकत्ते पहुंचा दो। जी। पठान की आंखों में आंसू,
हम मिलेंगे कॉमरेड, जरूर मिलेंगे और आजाद हिंदुस्तान में मिलेंगे। सूर सलाम, लाल सलाम। मंजिले कभी क्या मिलेंगी हमें, होगी क्या सहल कभी जो राह है कड़ी। आज हर जवाब हमको मिल जाएगा, आ गई है आज फैसले की घड़ी। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। स्वामी, तुम मुझे उसे टैलेंट से क्यों मिलवा रहे हो? कुछ नहीं होने वाला। नहीं यार, देखो हिज एक्सेलेंसी ओलांदो माजोटा बहुत बढ़िया आदमी है। क्या हिज एक्सेलेंसी लगाए हुए हो? आकर जर्मन इतना क्या एक्सेलेंट है उनमें? एक बार मिलोगे तब मजा आएगा तुम्हें बहुत। आप हिंदुस्तानी हो? हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सतनाम वाहेगुरु। अपनी जवान सुन के कालजा ठंडा हो गया पाजी, वरना इस परदेश में जंगी कैदी को पूछता कौन है। हाँ जी, अफ्रीका के मोर्चे से गिरफ्तार हो के आए हैं। इस बेचारे गुरबचन के आइडेंटिटी पेपर गुम हो गए हैं। अब नवे बनाने के लिए अंग्रेज और जर्मन फुटबॉल से खेल रहे हैं हमारे साथ में। ये देखो जी, दो दर्जन फार्म से दिए हैं भरने के लिए। भाजी हमें तो यहाँ की जबान ही नहीं आती। तो आप फिक्र मत करो, हम भर देंगे। मेहरबानी आबिद, लौट के भर देना। हिज एक्सीलेंसी वक्त के बहुत पाबंद है। आ जाओ। रुको, क्या नाम? हाँ जी, गुरबचन सिंह मांगट। सिंह मांगट। उम्र? 21 साल। पिताजी का नाम? आबिद। आया। ऑरलैंडो मात्सोटा। आबिद चलो। हेलो योर एक्सीलेंसी। हेलो स्वामी, अकेले आए हो या ले आए आबिद हसन को भी? सुभाष बाबू, ऑरलैंडो मात्सोटा। यस यस योर एक्सीलेंसी। चाय पियोगी? 5 साल हो गए ना हमें मिले। तब तुम वॉलंटियर हुआ करते थे कांग्रेस सेवा दल के, है ना? सर आपको याद है? तुम्हारे जैसे जोशीले वॉलंटियर को कैसे भूल सकता हूँ? गांधी जी के आगे पीछे भागते रहते थे तुम। सर मैं तो उनकी एक आवाज पे जेल भी चला गया था, लेकिन जब उन्होंने अविन से समझौता कर लिया मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ जर्मनी आ गया। इतनी सी बात पे मैदान छोड़ के भाग गए? नहीं सर, मैदान छोड़कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम यहाँ कुछ करें तो तुम हमारा साथ दोगे? जी यस योर एक्सीलेंसी। लेकिन हम करेंगे क्या सर? कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खोलेंगे? नहीं, कांग्रेस के तरीकों में अब कोई दम नहीं रहा आबिद। हमें अपनी फौज बनाकर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा और जर्मनी इसमें हमारी मदद करेगा। लेकिन सर जर्मन तो अंग्रेजों के मुरीद है, वो सच्चे दिल से हमारी मदद नहीं कर पाएंगे सर। सर आप बताइए काम शुरू कब करना है सर? अभी से आबिद, काम बहुत है और वक्त बहुत कम। नंब्यार, नंब्यार आबिद हसन। आबिद, मिस्टर नंब्यार। हेलो आबिद। सर पेरिस से आए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। सर स्वामी हमारे मेमोरेंडम का ट्रांसलेशन हो गया। यस सर। सर मेमोरेंडम किस बारे में? हमने इस मेमोरेंडम में हिटलर से आजाद हिंदुस्तान की आरजी हुकूमत के लिए मान्यता मांगी है, जिससे यहां कैद हिंदुस्तानी सिपाहियों को साथ लेकर हम अपनी फौज खड़ी कर सकें। आबिद जिस दिन हमारी यह फौज सेंट्रल एशिया से होते हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक देगी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सिपाही नहीं पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा आजादी के नाम पर। Come in. सुभाष बाबू, आपने किसी फ्रॉलाइन एमिली शंकल को बुलाया था, बाहर खड़ी हैं। वो आ गई? जी, भेज दो। You had advertised for a secretary. Yes, to help me with my book.
Please. I'm sorry you had to make a second trip. I hope it wasn't too much trouble. Oh, but it was. My father wouldn't let me come again to see a strange Indian man all by myself. So how did you manage to come then? When I saw you the first time, I could tell that you were a different kind of person. Different kind of person? You seem to know enough English. Do you know anything about India? Yes. There are many Maharajas with fabulous jewels and elephants and tigers and snakes. And it's very hot there. People don't wear any clothes. Do I look like a Maharaja or a snake? And look, I'm fully clothed. I have a lot to learn then. The job is yours. Thank you. Won't you sit down? You should stop wasting money on unnecessary gifts. I've told you this before. It's not a gift. Just your old long coat that I kept safely for you. You kept it all these years? I've kept every scrap that was touched by you. And how's your mother and your sister Lotte? They are all fine. But first things first. When do I begin to work? Oh, so you remembered to bring this old machine with you? Yes. Have you remembered what you promised to bring last time? Glass bangles from India. I thought you were no longer the silly little girl I knew. Come, let's begin to work. I'm sure there's a lot that has to be done. First, we have to make notes for our meeting with Foreign Minister Ribbentrop. What does that mean? Hail the motherland, sir. Your Excellency, I hope we can clear the air in our meeting today. You will be pleased to know that we are actively considering your memorandum, Herr Bose. But we don't need a few clarifications, Herr Bose. What do you think would happen if the British were suddenly to leave India? Naturally, a national government would be formed. With you as the leader? No. The leader will be elected democratically by the people of India. But how will you govern? Aren't there too many religious differences? Won't there be a chaos? Many religions, yes. Chaos, no. We have lived with many religions for centuries. Well before the British colonized us. But that's besides the point. What I want immediately is recognition of India as a free nation by the Third Reich. Italy and Japan are both willing. And I'm sure the Soviet Union will consider it. It's not that simple. You see, the Führer believes that the British have done a great deal to civilize India. Civilize India? Perhaps the Führer isn't aware that Indian civilization goes back several thousand years. We understand your apprehensions, Herr Bose. But the question is, how will the unarmed masses of India defeat the army of the powerful British Empire? But the might of this empire rests on their control of India. And how do they control India? They hold India through force of arms with an army of Indians. After all, there are only 70,000 British soldiers in India. The rest are Indians. We only need to raise an army of 50,000 men to liberate India. But where will these men come from? From the Indian prisoners of war here in Germany and in Italy, as I have stated in my memorandum.
Once they learn that the Axis powers have recognized our government in exile, they will definitely fight for their motherland rather than be mercenaries for their British masters. And you will take this army all the way to India through Russia and Afghanistan? Yes. When I meet the Führer, I will give him my detailed plan. It is imperative that I meet him as soon as possible. We are doing our best. I will be frank with you, Herr Bose. The Führer gets the impression that Indian leadership is not well disposed towards Germany. Yes. There is that feeling since the Nazis consider Germans to be racially superior. This hasn't gone too well with us. And the negative remarks about Indians in the Führer's book Mein Kampf has not helped matters. We realize your anxiety on this matter, but I advise you not to raise this matter with the Führer if and when you meet him. You should understand that you cannot start any activity here unless the Führer is in your favor. You mean you could put me in prison if I do not agree to work on your terms? Certainly not, Your Excellency, but you could be incapacitated and will have to remain inactive. If I wanted to remain inactive, I could have remained in a British prison. I would rather go elsewhere or even back to India and fight from there. But Your Excellency, even for leaving Germany, you will require our permission. Isn't that so? Herr Kepler, I have heard a lot about your Gestapo. I don't know whether they're present in this room too. But believe me, the British CID is no less efficient and ruthless. But I have foiled them and escaped. Herr Bose! Would you come with me in my car? Of course. Aap log chaliye. Ji sir. In a country where no one trusts anyone else, you will understand why I can talk without fear only in a moving car. I'm not unaware of the eyes and ears of your Führer. Let me warn you as a friend. Do not pin too much faith on the Nazis. Their goal and your goal is not the same. Indians and other Asiatics count for little in their scheme of things. After the remarks you made, it appears to me that a meeting with Hitler would be difficult. If that's how you feel, why are you working for the Führer? My only loyalty is to my fatherland, Herr Both, and not to any leader. But it cannot reveal this attitude of mine to anyone. Hitler has his spies everywhere. I'm grateful you've opened your heart to me. Be assured, I will not compromise you in any way. You smoke? No, thanks. सुभाष बाबू आपको नहीं लग रहा है जर्मन भी हमें इधर से उधर टहला रहे हैं इससे तो अंग्रेज अच्छे थे सर सीधी सीधी हरमजदगी करो इस तरह तो ना हमें खुदा ही मिला ना विसाले सनम तो तुम हज क्यों नहीं कराते शायद खुदा ही मिल जाए हज मैं हाजी जैनुल आबिदीन हसन सफरानी सर अल्लाह मियां भी सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे आप क्या जन्नत में मेरी रिजर्वेशन कराने की सोच रहे वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली मैं तो क्या खुदा भी तुम्हें जन्नत नहीं दे पाएगा थैंक यू सर ट्राई कैफे मुझे पता था आपको मेरी नेकी पर पूरा यकीन है फिर भी मैं तुम्हें मक्का भेजूंगा जरूर मक्का क्यों वो इसलिए कि हज पे हर साल हजारों हिंदुस्तानी जाते हैं अगर तुम वहां गए तो उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंचेगी और दूसरे मिस्टर जिना को यह गलतफहमी नहीं रहेगी कि उनके एक इशारे पे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी कहना बंद कर देंगे ये तो बड़ी दूर की कौड़ी निकाली आपने सुभाष बाबू लेकिन क्या मैं यहाँ आसपास रहकर कोई काम का काम नहीं कर सकता ओए सच है कि हमने ब्रिटिश सरकार का नमक खाया और किंग जॉर्ज के लिए लड़ने का अहद भी उठाया पर फिर भी इनकी बात तो सुन लो हमने नहीं सुनी इन गद्दारों की बात गद्दार यानी 1857 में लड़ने वाले सिपाही भी गद्दार थे उन्होंने भी तो कंपनी सरकार के लिए लड़ने का अहद उठाया था पर बेवकूफ नहीं थे और ना ही गद्दार थे वो लोग खुद अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो भारत माता के सच्चे सपूतों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे और पता है क्या हुआ था उनका तोपों से बांध के उड़ा दिए गए थे अगर तुम्हें डर है कि अपने मादरे वतन के लिए लड़ते हुए तुम
तोपों से उड़ा दिए जाओगे तो पड़े रहो यहाँ गुलामों की तरह। मेरे ख्याल से मुझे एक बार जवानों से मिलना चाहिए अकेले। नो सर, उनका आज का मूड देखने के बाद ये खतरा नहीं ले सकते हम। खतरों से डरेंगे तो अपनी फौज कैसे खड़ी कर पाएंगे? आप लोगों की यही जिद है तो मैं कहूँगा कि कुछ जर्मन गार्ड साथ ले लीजिए। पहरेदारों की जरूरत दुश्मन से मिलते वक्त होती है, अपनों से नहीं। ओए, क्या लेने आए हो यहाँ पे? जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। जर्मन के जासूस, चले जाओ यहाँ से। बोली से तुम गुरखा लगते हो, कहाँ के हो? नेपाल या बंगाल? कालिम्पोंग से सर। जय भवानी। जय भवानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के हैं जनाब? बंदा मेरठ का बाशिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से 1857 में जंगी आजादी का ऐलान हुआ था? जी हाँ, वही मेरठ। और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम उन्हीं के कातिलों के साथ काम कर रहे हो? क्या जवाब दोगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान मरूम की, अगर मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन फिरंगियों को। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ कॉल। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घर वालों की कुर्बानी दे डाली, लेकिन सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई का रास्ता चुना। फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुजदिल हैं, हमें तो शहीद होना है। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाके ये अहद उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। और मैं इस आजाद हिंद फौज का सेना नायक हिंदुस्तान को आजाद करने में खुद अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। जय हिंद। शुभ सुख चैन के बरका बरसे भारत भाग के जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, संचल सागर विंध हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर सबके भारत नाम सुभागा। नाम यार, बड़े वक्त से आए हो। तुम तो शैंपेन पी सकते हो। नहीं सुभाष बाबू। क्यों? मार्क्सिस्टों को तो शराब पीने से कोई परहेज नहीं है। बहुत बुरी खबर है सुभाष बाबू, अभी यहाँ आते आते पता चला कि हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया है। ये बुरी है नहीं नाम्बियार, भयानक खबर है। रूस के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने के हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब आजाद हिंद फौज क्या करेगी? हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगी और क्या। कहां से लड़ेगी सुभाष बाबू?
रूस के खिलाफ ये दूसरा फ्रंट खोलकर हिटलर ने जो हिमाकत की है उसे ये सारे नाजी तो मारे ही जाएंगे, और अगर हम यहाँ रहे तो हम लोग भी बीच में पिसेंगे। ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना होगा। लेकिन जाएंगे कहाँ? एशिया। What are you doing here in the dark? Talking to God? No, just putting my thoughts together. It appears that God loves to dispose of whatever I propose. Every time I'm within an inch of reaching my goal, something always comes in the way. When war broke out in Europe, mass civil disobedience in India would have crippled the British. Freedom was within our grasp. But Gandhiji had other plans. And I was forced out of the Congress. Then, I hoped to escape to Russia for help. But the communists had their own reasons to thwart my plans. And now, when we were getting ready with an army of liberation, Hitler decides to march into Russia. I'm sure things will work themselves out. No, Mimi. It's not so simple. The truth is, German support will never be more than symbolic. The Nazis under Hitler have no intention of helping us liberate India. But you knew what the Nazis were like. So why did you imagine that Hitler would help you? Not Hitler alone. Germany together with the Soviet Union. I know, Mimi. Nazism is intolerable. Probably worse than British imperialism. But as they say in Indian medicine, it takes a poison to kill a poison. Hey, Trot. Just the man I wanted to see. Your wish is my command, Herr Bose. Come. Thank you. The Italians are prepared to fly me to East Asia. Since the Third Reich is unable to recognize our government in exile, I must go to a place closer to India. Why are you in such a hurry, Herr Bose? His Excellency, Herr von Ribbentrop, has assured us that the Axis power will make a positive decision about India's freedom once the Soviet Union has been crushed. And when will that be? This year? Next year? Or till kingdom come? The Führer is confident that we will capture Moscow before the winter begins. Look, Herr von Trott, I have no time to lose. Sooner or later, the Americans will join the war. And that will only complicate matters. Well, you must be clairvoyant, Herr Bose. I came in to give you the news that Japan has attacked Pearl Harbor. A whole fleet of Yankee ships were blown up like sitting ducks off the coast of Hawaii. And Roosevelt has declared that America is at war. Oshima-san, to your success in the Pacific, I'm sure your victories will open doors of opportunity for our struggle. Bose-san, the doors are already open for you. Let me show you something more. Hajimetamae. You have served the Emperor George VI to the best of your ability. But from today, we are all prisoners of war.
So I now, on behalf of the British government, hand you over to the Japanese government, whose orders you will obey as you have been doing ours. I, Major Fujiwara, promise you that the Japanese army will not treat you as prisoners of war, but as friends. I hand you over now to Captain Mohan Singh, COC, of the Indian National Army. मेरे फौजी भाइयों, मुझे फक्र है कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर बाबू राज बिहारी बोस हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत ही आज़ादी के नेक और पवित्र काम के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है। और सुना है बर्लिन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज खड़ी की है। देखिएगा, हमारी ये फौज ही अपनी जांबाजी से कल हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराएगी। इंकलाब जिंदाबाद। That's where I should be. Of course, you know, we have great dreams for Asia, and Raj Biharisan is eagerly waiting for you to take over the Indian National Army. मैं सुभाष बोल रहा हूँ। पूरे एक साल से मैं खामोशी और सबर रखे सही समय का इंतजार कर रहा था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया सवेरा। आज इतिहास के इस दौराहे पर खड़े होकर मैं आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक भारत खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं, try as he might, his fellow Bose will not get much out of Hitler. How can we be so sure, sir? I think we know Hitler better than he does. यहीं से शुरू होगा एशिया और पूरी दुनिया के गुलाम देशों की आजादी का सिलसिला। वंदे मातरम, जय हिंद। You sound good on the radio. Now that the people of India have heard you, they will want you to return. Yes. I will go back with our national army to liberate India. But the road to India now goes through Japan. I can't stay in this country a minute longer. But before you abandon Germany, perhaps you should give some thought to your family. Family? Me and your child to be. What? You mean? Yes. And I want to have a proper wedding ceremony for the sake of the baby. But we already belong to each other, Mimi. But a woman needs a ritual to feel married. I want to have a proper Hindu wedding with a fire and a Brahmin priest to bless us. Om Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishvato Adabdhaso Aparita Sa Udvidha. How can this be a proper wedding? He's not a Brahmin, not even an Indian. He's a Prussian. Nambiya, you are the Brahmin. Well, yes, but a Marxist Brahmin, you see, who knows no rituals. Herr Dr. Hessler is an Indologist, and he knows more Vedic rituals than most Brahmins do. Mimi, any wise man is a Brahmin. Not every Brahmin is a wise man. Proceed, Herr Doctor. Herr Nambiya, place your right hand on the bride's shoulder and repeat after me. Om Kanyam Kanakasampanam. Om Kanyam Kanakasampanam. Congratulations. Thank you, Herr von Trott. Herr Boots. Fräulein Schenkel. Not Fräulein Schenkel. It's Frau Boots. Oh, anyway, I wish you both good luck. Thank you. Emily and I would be very happy if you could get our marriage registered. But on my saying so, perhaps you should be a little bit discreet. As long as Fräulein Emily was just your secretary, the authorities looked the other way, but now it's no longer possible. Is this your personal opinion, Herr von Trott, of the Foreign Office? My opinion doesn't matter. Germany runs on the will of one man, the Führer, and you know what the Führer thinks of mixed marriages. What I do in my personal life is no business of the Führer. You can go and tell him that.
This was uncalled for. I'm sure you will understand, Fräulein Schenkel. You stand to lose your German citizenship if your marriage is registered. And if this matter becomes public, it will create an enormous scandal, both in Germany and India. Herr von Trott, I know where my duty lies. And the safety of my child, and the well-being of my husband. You must be a very happy woman. Now that you have moved up in the world and can afford luxuries that are out of the reach of ordinary Germans. You might think that I married him to share his privileges. I would have done so even if Herr Bose was a poor exile living in an attic or a prison cell. Really? Yes. Really. Has he gone? Yes. Don't you think that it would be better for me and the child to go back to Vienna and stay with Mutti? My staying here as your wife will only come in your way. Mimi? I know your feelings for me, but I will never come in the way of your first love. फिरता रहा मैं तेज तेज मन में उसे बसाए उसके इर्द गिर्द जीवन के लम्हे मिटाए बनाए May I make an observation if the Führer has no objection? Yes, of course. Perhaps the Führer has been misinformed about India and Indians. Really? Whatever said that upsets you? In your book, Mein Kampf, you have written, England will lose India only if it allows its administrative machinery to be dominated by Indians. And further, I, as a German, prefer to see India under British domination than any other country. That's because colonized people like you Indians take up cowardly stances like Gandhi's passive resistance. This is not what India need. The agenda for India should be: one, eliminate the British; two, avoid the Russians; three, make an agreement with Japan. Only after you've done that, you will be able to organize and reconstruct your country, which will take at least 100 years, provided you work hard like us Germans. Your Excellency, I too have been in politics all my life. I have come to you for support in our fight against a common enemy, and not for advice. Yeah, yeah. Germany and India have the same enemies, Britain and Russia. Britain has colonized India and now wants to dominate all of Europe. But whatever Churchill might think, Britain can never defeat Germany. Of course, you must fight the British, but also keep an eye on Russia and its red friends like your pundit Nehru. Communism is a scourge which must be stamped out from the face of the earth. Your Excellency, if I may suggest, you were wrongly advised into opening a second front against the Soviet Union. A strategic mistake which will divide German forces and spread them thin over all of Europe and Africa. Mistake? Certainly not. Take it from me. Russia will be defeated by this winter. We are already at the gates of Moscow. Only time will tell, Your Excellency. Now pay attention to what I say. If Germany, like Japan, were at India's frontiers, I would have told you to march with me into India. Come. Come here and see this. See how far Germany is from India. Very far, hmm? But it seems you are in a great hurry. You want your freedom right now. So it's better that you go to Japan
and march with an army into India. May I then request Your Excellency for an aeroplane to take me there? You want to fly half the globe in an aeroplane? Oh, impossible and quite foolish. We have to find a safer passage for you. Have you ever traveled in this? It is called a U-boat and moves under the sea. Take this and go by the old route around Africa, like Vasco da Gama. We are presenting India with a unique opportunity. You will now be able to throw off the English yoke without falling into Russian hands. Meeting kaisi rahi, Subhash Babu? Sir, Hitler ne kaha kya? Kya kehte? ऐसे लोग अपनी ही धुन में रहते हैं और सामने वाले की बात के लिए उनके कान और दिमाग दोनों बंद रहते हैं कुछ कुछ अपने पागल ईपी फकीर की तरह अब क्या होगा नेताजी अब तो जो भी होगा देखा जाएगा नामियार आप अभी तक तैयार नहीं हुए? ना यार ये देखा तुमने? गांधी जी गिरफ्तार हो गए भरी सभा में उन्होंने नारा दिया करो या मरो और अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो हमें महात्मा जी की हिमायत में आज ही अपने रेडियो से स्टेटमेंट देना होगा आज अचानक गांधी जी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों बापू से मेरा क्या रिश्ता है ये और कोई नहीं जान सकता ये सही मौका था मेरे वहां रहने का पता नहीं ये जर्मन मुझे कब यहाँ से निकलने देंगे सुभाष बाबू आप क्या जानते नहीं हैं कि हम जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं गांधी जी उससे कभी सहमत नहीं होंगे हो सकता है पर इस समय उन्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत है और करो या मरो का नारा देकर वो हमारे नजरिए के बहुत करीब आ गए हैं गांधीज कॉल डू और डाई हैज क्रिएटेड अ ह्यूज स्टॉर्म इन इंडिया नाउ इज द राइट टाइम फॉर अस टू मार्च इन विद द इंडियन नेशनल आर्मी एज यू नो बोथ सन जापान इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू आई अप्रिशिएट दैट But our German friends do not seem to share our sense of urgency. Don't worry, Bozan. Our armies are in full possession of Singapore, Malaya, and Burma. A few months' delay will not matter much. How can I ever forgive myself for not bringing her a gift? A toy or something? You're coming to see the baby. It's the best gift she can possibly have. Don't just call her baby. She has to have a name. I was waiting for you to choose a nice name. I've made a list of three names, which are both Indian and German. Maya, Rita, and Anita. I like all of them. But I like Anita. Anita Bose. Sounds good. Now whisper the name in her ear. You do it. Anita. Anita Schenkel Bose. Do you have a picture of you and Anita for me to carry with me always? No. But tomorrow we will call a photographer to take a picture of the three of us. I have no time now. I have to leave very soon before the Gestapo finds out. I came away from Berlin. Without telling anyone. Jai Hind, Netaji. कैप्टन आबिद हसन सफरानी रिपोर्टिंग सर जय हिंद कैप्टन आबिद हसन क्या तुम एक खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो और मैंने ट्रेनिंग किस बात के लिए सर इस यूनिफॉर्म के अलावा कोई ढंग के कपड़े हैं तुम्हारे पास जी नहीं सर पर मैं कुछ कर लूंगा सर आप कहीं मुझे हज पर तो नहीं भेज रहे वो तुम्हें वक्त पे पता चल जाएगा यू मे गो नाउ यस सर सर तुर्की टोपी भी चाहिए होगी क्या जय हिंद नेताजी जय हिंद मेरे लिए क्या ऑर्डर है नेताजी तुम भी साथ चलोगे स्वामी पर कुछ देर बाद थैंक यू नेताजी जय हिंद नेताजी जय हिंद ये लोग अभी बच्चे हैं सुभाष बाबू इस नई मुहिम पे आपको एक तजुर्बेकार आदमी चाहिए
पर यहाँ आजाद हिंद फौज को संभालने के लिए भी तो तजुर्बेकार आदमी की जरूरत होगी। किस लिए? इस आजाद हिंद फौज का अब हिंदुस्तान पहुंचना तो नामुमकिन है, फिर इसे हम डिसबैंड क्यों नहीं कर देते? ताकि हमारे बहादुर फिर से युद्धबंदी बन जाएं। हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते नामयार। पर आपने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक इंडियन लीजन इंडिया के अलावा किसी और फ्रंट पर लड़ भी तो नहीं सकती है। ये तुम्हें देखना होगा नामयार कि नाजी अपनी शर्त निभाएं और मेरे जाने के बाद हमारे सिपाहियों को किसी और फ्रंट पर ना भेज दें। हमने उनके साथ आजादी का सपना देखा है, हम उन्हें किसी और की जंग में बारूद बनकर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। I wish you had brought Anita with you. I wanted to, but Mutti wouldn't hear of it. But I could not hold myself back and had to come to see you off. This terrible war. I'm not sure when I will see you again. You'll see me sooner than later. Wouldn't it be safer for you to travel by land or air? Such a long journey under the sea. Has anybody done it before? Mimi, you can call it a journey into the unknown. If all goes well, I'll be in Asia in 3 weeks. What about us? Here. I have written a letter to my family about you. Mimi, your last job as my secretary will be to have this letter posted. And now, as my brave bargaining, you may bid me goodbye. Please tell our daughter that I love her with all my heart. Next time, I promise to bring you glass bangles from India. My dear brother, I have married her and have a daughter. In my absence, please show my wife and daughter the love that you have given me all my life. Welcome on board, on U-180. I'm Captain Musenberg. Hello, Captain. Please come. Morgen. Please make yourself at home. And in case you need anything, Walter Norden will be there to help you. Thank you, Captain Musenberg. Thank you. Please follow me. These are yours. Yeah, I know they're small, but you will get used to them. Thank you. Excuse me. उबले हुए आलू आधा उबला गोश्त। नेताजी के हर रोज सुबह शाम यही खाना पड़ेगा। आबिद, जो सभी खाते हैं वही हम भी खाएंगे। पहले पता होता तो एक बोतल हैदराबादी अचार की ले आता।
फिर फ्रिज में जाके Norden, what's up? An enemy ship is firing depth charges at us. Tiefe gehen, schnell auf Tiefe gehen. We're out of danger now, so we can go back to our meal. दुश्मन के बमों से तो बच गए और इस खाने से जरूर मर जाएंगे How old are you, Don? 21, sir. At your age, I was in a prison in Mandalay. Do you know where Mandalay is? No, sir. In Burma. I could see that moon from my window. I told myself that the same moon was shining over my country right now. Do you know anything about India? Sir, when I was a young boy, I was very skinny and all my friends called me Gandhi. But there's a slight difference. You're training to be a torpedo engineer to blow up the enemy. Gandhi wants to win his enemy with love. You think it's possible? I thought so once. But I'm not so sure anymore. Eureka! Eureka! Mil gaya, sir! Mil gaya! Kya mil gaya? वास्को डिगामा के बाद हिंदुस्तान पहुंचने का नया रूट मिल गया क्या नहीं सर इतने दिनों के बाद असली खाना मिला है अब कम से कम खिचड़ी तो नसीब होगी चावल भी है दाल भी है गर्म है यस थैंक यू कैप्टन गुड टू अपेटिट I hope you like our Indian khichdi. Thank you. Allah rahm kar, inhe khana pasand aaye, varna 3-4 din mein hi chawal khatam ho jayenge. I really like this Indian goulash. Well, what do you call it? Tera sar. Tera sar? It's very good. May I have some more tera sar, please? आज जब भारत एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है मुझे यकीन है हिंदुस्तान की औरतें आज़ादी की जंग में किसी से पीछे नहीं रहेंगी अगर पहली जंग आज़ादी में एक झांसी की रानी थी तो आज क्यों नहीं हो सकती नहीं हसन ये लाइन ठीक नहीं है पहले एक झांसी की रानी थी We've sighted an enemy ship. Please, put on your life jackets. हसन चुपचाप बैठो और अपनी लाइन पूरी करो आज 38 करोड़ हिंदुस्तानियों को दर्श कराने के लिए एक झांसी की रानी नहीं हसन हजारों झांसी की रानियां चाहिए वो 3 und 4 bewässern वो 3 und 4 bewässern Mündungsklappen öffnen इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी औरत को भी बुकलिंग्स लागे 30 आजाद हिंद फौज में शामिल होना होगा Entfernung 6000. जिसे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी औरतें बंदूक नहीं उठा सकती Tiefe 2. उनसे मैं कहना चाहता हूँ Torpedogeschwindigkeit 40. कि वो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें वो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें Los! Herr Bose, come have a look. We've got them all right.
This is our last meal together. No, I'll have my coffee. Bose, we have received a signal from the Japanese submarine. And you will be transshipped very soon. Our whole crew will miss you greatly. So I propose a toast to you and your country. To you, Captain Musenberg, and your valiant crew. We will never forget your role in the struggle for India's independence. Thank you, sir. Thank you. Netaji, sir. Jai Hind. Jai Hind. This is the first time that such a transfer from one U-boat to another is being attempted. Are you sure you want to do this? Yes. I will go even if I have to swim across. Sir, this is much too dangerous for you to go alone. I want two men to go with him. I'll go, sir. No, there's no need for that, Captain. And I want them to know, Charlie. Good luck, Mr. Bowser. Goodbye. Not I hope you can visit the land of Gandhi one day. Thank you, sir. Goodbye. Bye, Mr. Nodder. Goodbye, Abit. Welcome, Boston. Congratulations on your successful journey. I am Colonel Fujiwara, head of the Indo-Japanese liaison group, Hikari Kikan. My job is to help you in your mission. Thank you. I'm sure the Hikari Kikan will try and make things easier for us. When do we leave for Tokyo? When do I meet Prime Minister Tojo? Everything is being organized, but before that, Rush Bihari Basu-san and your people are waiting eagerly to meet you. Subhashichi, Subhashichi, Ochare Hindu Aage, Enasa Jisne Hindu Ko. पिछले 30 साल से जापान और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में मैंने भारत की आजादी की उज्जवल ज्योति को जलाकर रखा है पर अब जब आमने सामने की लड़ाई की वक्त आई तो मैं चाहता हूं कि मेरे इन बुरे हाथों से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष अपने मजबूत हाथों में ले ले Eso, Subhash. Shri Raj Bihari Bose, पूर्व एशिया में जंगे आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है, जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की और इसीलिए आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर एक मत होकर एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे मेरे साथियों मेरे सिपाहियों आज से हमारा बस एक ही नारा होगा चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली वेलकम टू निपॉन बोस्टन प्लीज I thank you, Prime Minister Tojo, for receiving me so graciously. I would also like to thank you for helping us raise the Indian National Army. It was all due to the efforts of the Indian Independence League under Rush Bihari Basu-san. Japan is very keen to see your country liberated. My wish is that the land of Buddha, the road to heaven,
is free and prosperous again. For that, we are willing to give you all military assistance. Your assistance is most welcome, Prime Minister. But we have to shed our own blood to win our liberty. I appreciate your sentiments. You will have Japan's unconditional support in ending Anglo-Saxon domination of India. I know that with a samurai warrior like you to lead them, Indians are sure to get their freedom sooner than later. Lieutenant Colonel S.K. Bhosle, sir. Jai Hind, sir. Lieutenant Colonel A.C. Chatterjee, sir. Jai Hind, sir. Lieutenant Colonel Mohammed Zaman Kiani. Jai Hind, sir. Major P.K. Sehgal. Jai Hind, sir. Major Shahnawaz Khan. Jai Hind, sir. Major Habibur Rahman. Jai Hind, sir. Major G.S. Dhillon. Jai Hind, sir. Captain Inayat Kiani. Jai Hind, sir. Captain Gulzara Singh. Jai Hind, sir. Captain Aziz Ahmed Khan. Jai Hind, sir. Aur aap hain Mr. Anand Mohan Sahai, Indian Independence League. और आप हैं मिस्टर एस ए अय्यर राइटर्स सर बैठे आजाद हिंद फौज के अफसरों से आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आन बान और शान आपके हाथों में है आज भारत की आशाओं की मशाल आपके हाथों में है ईश्वर आप सबको आने वाली जंगों में जीत नसीब करवाए नेताजी हमारे हौसले तो बुलंद हैं लेकिन सिर्फ 8,000 की फौज से क्या होगा न अंग्रेज न जापानी नोबडी विल टेक अस सीरियसली सर जाहिर है फौज तो बढ़ानी पड़ेगी साइकिल बर्मा मलेया सिंगापुर और थाईलैंड में कुल मिलाकर 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं अगर उन्हें साथ लिया तो हमारी गिनती भी बढ़ेगी और हर तरह की मदद भी मिलेगी पर नेताजी वो बेचारे तो बरसों पहले रबर प्लांटेशंस में कुलीगिरी करने के लिए बुलाए गए थे भला वो लड़ना क्या जाने तो सीख जाएंगे नेताजी पहले एशिया में अंग्रेज अकेले थे सर मगर अब ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन फौजें भी उनके साथ हैं तो क्या ये मौका सही लगता है आपको हमारी मुहिम के लिए सच पूछो तो 1 साल पहले जब महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया था अगर उस वक्त हम ये मुहिम शुरू कर पाते तो अब तक भाग चुके होते अंग्रेज लेकिन सर बर्मा और मलेया में जापानियों का रवैया भी ठीक नहीं है हम कैसे यकीन कर लें कि ये आपको दगा नहीं देंगे आपको लगता है मैं जापानियों के झांसे में आ जाऊंगा एक बात और जापान और दूसरे एंटी ब्रिटिश मुल्क जल्दी हमारी हुकूमत को मान्यता देने वाले हैं मैंने तय किया है कि 21 अक्टूबर को हम अपनी आजाद हिंद सरकार का ऐलान कर देंगे स्वतंत्रता के सिपाहियों आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो की इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा इत्तफाक यानी एकता एतमाद यानी विश्वास और कुर्बानी यानी बलिदान साथियों सिंगापुर मलाया बर्मा और पूर्व एशिया में बसे 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे ये कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती इसीलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पावन काम में औरतें पीछे न छूट जाएं और मौत को ललकारने वाला एक ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाएं, जो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही तलवार उठा लें, जैसे सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे फौजी बन के रहना है दुख दर्द मुसीबत सहना है हम फौजी बन के रहना है दुख दर्द मुसीबत सहना है सुभाष का ये कहना कहना है चलो दिल्ली चल के रहना है हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे हम गोली खा के झूमेंगे मौत को बढ़ के झूमेंगे मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे गोली खा के झूमेंगे मौत को बढ़ के झूमेंगे मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे सुभाष हमारा हावी है गुलामी के तालों की चाबी है फिर कैसा खतरा बाकी है खुदा भी हमारा साथी है हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे मैं तो तैयार हूँ लेकिन फौज में लड़ने के लिए लड़कियाँ कहाँ से लाऊंगी यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को फौज में भर्ती होने नहीं देंगे लड़कियाँ क्यों नहीं आएंगी तुम में वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आईएनए की रानी झांसी ब्रिगेड को खड़ा कर सको और वैसे भी लक्ष्मीबाई रानी झांसी के नाम पर बनी पलटन लक्ष्मी संभाले तो अच्छा है आप मुझे बेकार बंदूक उठाने के लिए कह रहे हैं मैं एक डॉक्टर हूँ मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए डॉक्टर लक्ष्मी इस जंग में सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनके काम नहीं चलेगा तुम्हें जोन ऑफ आर्क बनना होगा कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन डॉक्टर लक्ष्मी ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है मुझे आपकी फौज में भर्ती होना देव संजय है ना पकड़े पैसे को अब उनको कोविच को मांगो नाम के सैने ले सहरे विरुम बरे सरी ना उनको बीट करवा रहे जाहिर नेताजी इन जापानियों ने लड़कियों के ड्रिल के लिए जगह देने से इनकार कर दिया बड़ी मुश्किल से इस जगह को तैयार किया हमने कवायद के लिए बोस काका यू मे ट्रेन देम एज मच एज यू लाइक बट वी कैन नॉट रिक्रूट वुमेन इन द आर्मी एज सोल्जर्स इट इज अगेंस्ट जापानीज ट्रेडिशन बट इंडिया हैज अ ग्रेट हिस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ सैक्रिफाइस बाय वुमेन इन द बैटलफील्ड रिमेंबर द आईएनए इज द आर्मी ऑफ आवर प्रोविजनल गवर्नमेंट And as the head of this government, it is my prerogative to decide whether to have a women's brigade or not. What will you do with this Thor's army? It is not right. You think I want to have this women's regiment as a showpiece? After training, I will send them to fight in jungles across the Burma border. Only then will they have their rightful place under the sun. Congratulations, boss son, on the recognition of the Azad Hind government. Thank you. Colonel Fujiwara tells me that your army is marching to India. Yes. Hasn't the Indian National Army been formed for this very purpose? Also, but INA has no experience of real battle. Well, then this is the time to gain that experience. Since Bosan insists, we may allow INA to assist the Japanese army. No question of assistance. We will fight together as equal nations. The INA will spearhead the march into India, with your help, of course. And I will lead my men when they set foot on Indian soil. Bosun, you are the commander-in-chief of INA. How can I allow you to go into battle? Send a few men into Arakan for probing action. If these men can fight like Japanese, then the rest of INA may join the infra campaign. Not otherwise. इस काम के लिए हमें गांधी, आजाद और नेहरू तीनों ब्रिगेड में से सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को छांटकर एक नई गरिल्ला रेजिमेंट खड़ी करनी होगी सर। और जब एक्शन में ये रेजिमेंट अपना हुनर दिखाएगी तो इन जापानियों को मजबूरन बाकी फौज को भी भेजना पड़ेगा ठीक है और इन सरफरोशों की कमान शाहनवाज संभालेगा इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया सर नेताजी मैं अपने इस दस्ते का नाम सुभाष ब्रिगेड रखना चाहूंगा इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया
लेकिन नंबर वन गुरिल्ला रेजिमेंट नाम ही सही रहेगा। अराकान के रास्ते हम बंगाल भी तो जा सकते हैं नेताजी। जिस दिन आप चिटगांव में उतर गए उस दिन सारा बंगाल उठ खड़ा होगा। बंगाल की खाड़ी में अमरीकन जहाजों का दबदबा है। तुम बंगाल की तरफ बढ़ने के हक में नहीं है। मैं हूँ सर, मगर अराकान के रास्ते से नहीं। मणिपुर का इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है सर। यहाँ पर बेस बनाकर हमें ये दीमापुर रेलहेड पर कब्जा करना चाहिए। इससे न तो सिर्फ अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कटेगी बल्कि पूरी रेलवे लाइन पे हमारा कब्जा होगा। उसके बाद हम आसाम की वादी और बंगाल दोनों तक आसानी से पहुंच सकते हैं सर। बात में दम है कियानी, लेकिन फिर भी हमें शुरुआत अराकान से करनी होगी। जापानियों का पता भी तो चले कि हमारे फौजी लड़ना और जीतना जानते हैं। What is the state of the head of our head of state today, sir? ये क्या है? आजाद हिंद फौज का नया रिक्रूट है सर, शेर खान। चलो जय हिंद बोलो। हसन, तुम्हें पता है मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? आपको तो घोड़े पसंद है, बंदर पसंद है, तोते भी पसंद है। सर बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है? ये बड़े काम की चीज है सर। शेर खान रहेगा ना सर तो चूहे अपने राशन के आसपास नहीं फटकेंगे। देखो इसने अगर मेरे दूध की तरफ देखा भी ना तो मैं इसे कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुम इसे ले जाओ प्लीज प्लीज। सुन लिया शेर खान, चल फूट लेते यहाँ से, आ जा। सर कलकत्ता से दो खत है सर। क्या है? इसमें लिखा है कि चावल से लदा हुआ जहाज जो हमने राहत के लिए भेजा था वो बंगाल के गवर्नर ने गोदी से ही वापस कर दिया सर। बड़ा अजीब है सर। कोई अजीब नहीं है, ये अंग्रेज बंगाल को भूखा मार डालेंगे लेकिन हमारा भेजा हुआ खाना नहीं कबूलेंगे, वरना हमारी हस्ती भी तो कबूल करनी पड़ेगी। दूसरा खत क्या है? सर ये बंगाली में है सर। छोड़े आप तो अब घर वापस जाने का वक्त आ गया है। क्या है कैप्टन लक्ष्मी? रानी झांसी रेजिमेंट की सारी लड़कियों ने अपने खून से लेटर लिखा है कि उन्हें भी फ्रंट पे भेजा जाए। इन्हें ना कैसे कहा जा सकता है? कैप्टन लक्ष्मी एक बार हम इम्फाल पहुंच जाएं, फिर तुम लोग भी आ जाना फ्रंट पर लड़ने के लिए। थैंक यू नेताजी। जय हिंद। जय हिंद। कैप्टन शौकत मलिक रिपोर्टिंग सर। आई हैव अ क्वेश्चन नेताजी, मेरा पूरा बटालियन भेजा जा रहा है फिर मुझे फ्रंट पर क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? बोलिए नेताजी मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? क्या नहीं, इस पियक्कड़ को 5,000 रुपये दे दो और चलता करो यहाँ से। कहो सिंगापुर जाके शराब में डूब जाएं और दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं। नेताजी इसे पैसे देंगे तो ये और पिएगा सर। पैसा दो इसे। आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स। बंगाल में लाखों लोग अकाल से भूखे मर रहे हैं, एक दाना चावल खरीदने के पैसे नहीं है किसी के पास, और यहाँ मेरा एक बेहतरीन अफसर अपनी सारी तनख्वाह शराब में बहाता है। ऐसे नालायक सिपाहियों को लेकर हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होने वाला। नहीं नेताजी मुझे पैसा मत दीजिए, बंगाल भेज दीजिए भूखे लोगों के लिए और मुझे फ्रंट पर भेज दीजिए। दीज आर योर ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द INA। पैसा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मुझे चलो मुझे फ्रंट पर लेता ही। आई वांट टू फाइट।
चिन हिल्स के इलाके में कितनी सर्दी पड़ती है ये जापानी अच्छी तरह से जानते हैं सर। फिर भी गर्म कपड़ों के नाम पर ये सूती कंबल। सर एक एक गर्म कमीज भी है। न मच्छरदानी है न दवाइयाँ। बीमारी से बचे तो भूख से मर जाएंगे। इमरजेंसी राशन तक नहीं है। बस एक बार में फ्रंट तक पहुंचवा दीजिए फिर तो सारा सामान चर्चिल सप्लाई से ले लेंगे। चर्चिल सप्लाई? नेताजी छीन लेंगे अंग्रेजों से ना। इन जोशीले जवानों को अब तक भेजा क्यों नहीं है तुमने? बिना ट्रक्स के फौजें फ्रंट तक कैसे भेजी जाए सर? कहाँ है ट्रक्स? सर सच पूछिए तो जापानी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के नाम पर हमें सिर्फ 5 ट्रक्स दी हैं। ठीक है उनसे कहो रखे अपने ट्रक्स अपने पास। चलो trucks have arrived. Why did it take so long? Do the Japanese want the war to be over before we march to the front? Netaji, main jawanon ko trucks mein chadhne ka order de dun sir. Ha. Sare jawan! Sab ek qatar mein trucks mein sawar ho! Yes, sir! 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 Mujhe bhi truck pe chadhne ka order dijiye sir. Mujhe bhi front pe jana hai. Tum kahin bhi jane ki halat mein nahi ho. Par maine to peeni chhod di hai Netaji. Kab se? Daru ki bhatti ki tarah dur se bhabak rahe ho tum. मैं अभी से छोड़ी है नेताजी। प्लीज सर प्लीज मुझे बस फ्रंट पे जाना है। प्लीज नेताजी आई वांट टू फाइट। लेट मी गो टू फाइट सर प्लीज। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद एक भी बूंद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है जाओ इससे पहले कि तुम खुद अपनी कसम भूल जाओ। जाओ नेताजी आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं सर? ये फिर पिएगा सर। मैं इसे एक और मौका दे रहा हूँ कॉल निभाने का। मुझे आपकी कसम नेताजी मैं ये कॉल जरूर निभाऊंगा जरूर निभाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा। दुश्मन की क्रैक वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन कलेवा की तरफ बढ़ रही है ताकि हमारे हथियार और रसद आने के रास्तों को रोक सके। मेजर रतूरी हमारी पहली बटालियन के साथ जाकर उन्हें यहां से रोकेगा। तरफ से अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए हमारी सेकंड बटालियन के साथ मेजर रण सिंह और नंबर 3 को लेकर मेजर पदम सिंह मेंडले और कलेवा से होते हुए हाकाफालम के चिन हिल्स की तरफ बढ़ेंगे।
पर सबसे जरूरी है बहादुर और इंटेलिजेंस ग्रुप का काम। अंग्रेजों की तरफ से आए हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों में हमारी बात का प्रचार करने के लिए मेजर मिश्रा और मेहरदास अराकान की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तानी भाइयों, आजाद इंसाफ की बहादुर दस्ते को मेजर एनएसपी से बात करेगा। अरे जरा ये तो बताओ, तुम अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वालों क्या हमारे की टट्टुओं की तरफ गोरों का कूकाते हो? अरे हमारी तरफ देखो, मैं और मेरे जवान अपने वतन को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम भी अपनी पेड़ियों को तोड़ो, अंग्रेजों को छोड़ो और हमारी तरफ आ जाओ। आ जाए और गोली खाए अगर ये धोखा हुआ तो। अरे अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो डर मत, भारत माता का कष्ट चुकाने के लिए आ जाओ। कौन मुल्क के हो मेजर साहब? मेरा मुल्क तो हिंदुस्तान है और मैं रहने वाला बनारस का हूँ। हम हूँ जौनपुरिया है साहब, गोली नहीं चलाइएगा, हम आ रहे हैं सब, चलो। जनरल कवाबे, योको सो, गुड टू सी यू। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आई हैव कम अबाउट योर मेन इन अराकान। व्हाट अबाउट आवर मेन? माय ऑफिसर्स रण सिंह, रतुरी एंड मिश्रा हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन अराकान। डोंट यू थिंक द आईएनए हैव पास्ड द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स? दैट इज नॉट अ बैटल प्लान। We want you to stop your men. They refuse to listen. They say they will not stop unless they reach Delhi. So? The 15th Army under General Mutaguchi is ready to march into Imphal. We want your men redeployed to cover our flanks. General, if I may suggest, I would like all my men to go to Imphal first and then right up to Dimapur and incapacitate the British supply line by taking over the railhead. No, no, no. The INA men in smaller groups have to be attached with larger 15th Army formations. Absolutely not. No INA formation smaller than battalion size will be deployed anywhere. And the command of all the INA units will be in the hands of Indian officers. No, Boss Kakka, no. The Imperial Headquarter in Tokyo will not write that. It's difficult, very difficult. In which case, I will have to send a cable to Prime Minister Tochi. No, no. It's difficult, very difficult.
हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर ने क्या खूब कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज आजाद हिंद फौज के हिंदुस्तान में दाखिल होने की खबर सुनते ही मैं यहां हाजिर हुआ हूं ताकि इस मुकद्दस मिट्टी को उठाकर मैं कसम खा सकूं कि हम हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे और यहां दफन बहादुर शाह जफर की पाक खाक को उनकी दिल्ली के लाल किले तक ले जाएंगे। The man is away with words. Not one word of the fall of Kohima should leak out to the Indian press. Yes, sir. The press have been suitably instructed. What do we do about the Azad Hind radio broadcasts? Jam their frequencies. Stress the fact that Bose is a quisling heading a Japanese puppet government. The man is a renegade congressman whom nobody should take seriously. Netaji, yahi hai Lance Naik Pavitran, the leader of the gang of mutineers. Isi ke uksane par Nehru Brigade ke jawanon ne danga kiya और मेजर राणा को पीटने की कोशिश की। हमने इनके सारे के सारे 600 जवानों को सस्पेंड कर दिया है सर, और इन पर बगावत का मुकदमा भी चलेगा। पवित्रन, क्या ये सच है? मेजर राणा हमें गाली देता था पंजाबी में और बोलता था, साले तुम साउथ इंडियन कोली लोग, फौज में किस गधे ने भर्ती किया तुमको? क्वाइट सैगल। तो इसीलिए हमें गुस्सा आ गया सर, फौज में भर्ती हुआ गोली खाने के लिए, गाली खाने के लिए नहीं सर। हमें भी मौका दीजिए लड़ने के लिए, फिर देखिए क्या करता है ये साउथ इंडियन कुली लोग। पवित्रन, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, तुम जा सकते हो। सैगल। सर, क्या करना चाहिए? करना क्या है? इनसबॉर्डिनेशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड सर। दैट मे बी राइट, पर एक साथ 600 सिपाही गलत नहीं हो सकते। ये दक्षिण भारत के लोग खुद किसी को ललकारते नहीं हैं, लेकिन दूसरों की बेकार बात को बर्दाश्त भी नहीं करते। राइट सर। जय हिंद। जय हिंद सर। नेताजी, अभी अभी खबर मिली है कि जापानी ट्रूप्स इम्फाल के नजदीक पहुंच गए सर, और किसी भी वक्त वहां कब्जा कर सकते हैं। जापानियों से पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। क्या नहीं सर, तुम फौरन कमान संभालो, फील्ड कमांडर्स को कांटेक्ट करो। जंग की इस पहली विजय में हमारा वहां मौजूद होना बेहद जरूरी है। जय हिंद सर। सर, सर मुझे भी फ्रंट पर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए सर। मैं जानता हूं न जाने कब से तुम फ्रंट पर जाने के लिए छटपटा रहे हो। अच्छा जाओ, जाओ नाम कमा के आओ। बस समझे, ये गया सर, हिंदुस्तान को आजाद किया और वो वापस आए। जय हिंद सर। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत सर। जवानों से कहो कि आगे बेस कैंप लगाकर थोड़ा आराम कर ले। यस सर। अर्जुन सिंह, आगे बेस कैंप लगवाओ।
मिला उधर, हमारे लिए क्या लाए हो? 5 हवाई जहाजों की राख और एक बर्बाद एयरस्ट्रिप की पट्टी। शाबाश, कमाल कर दिया। लेकिन कुछ खाने के लिए भी मिला क्या सर? कैप्टन आबेद, जवानों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है और जापानी सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं। कुमार जोन सिंह और मनसुख लाल को साथ लेकर कल सुबह आसपास के किसी नागा गांव से खाने की व्यवस्था करो। यस सर। सुनो सर, दुश्मन के किसी हिंदुस्तानी सिपाही पर गोली नहीं चलाना जब तक कि वो पहले फायर ना करे। यस सर। चलो गो। अगर ये घने बादल नहीं छटे तो हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर ढिल्लों, बैठो। तुम्हारी रफ्तार से पता चल रहा है बात बहुत अर्जेंट है, बताओ। कर्नल शाहनवाज तो तैयार थे अपने ब्रिगेड के साथ। प्लान के मुताबिक कोहिमा से आगे बढ़कर दीमापुर का रेलवे जंक्शन अपने कब्जे में कर लें, तब हम आसानी से आसाम और बंगाल तक पहुंचते। पर जापानियों ने उन्हें मना कर दिया। काब है हमें नजरअंदाज करके अपने मनसूबे खुद बना रहा है। अगर दीमापुर पर कब्जा हो जाता तो राशन और एमुनेशन का इंतजाम हो जाता। अर्जुन सिंह सो पकड़ो। जापानी सर। ऑफिसर सर, वेयर आर द ट्रक्स? वी आर गोइंग बैक टू रंगून राइट अवे। व्हाई यू मूविंग अवे फ्रॉम द फाइटिंग? एट द कोटा टेरेस, टेक आवर ट्रक्स बैक टू रंगून। सर बट what happens to us? Don't we need any transport? You Indians now in India, you manage. I tell you frankly, the situation is not so very good. You gotta help! Go where you want! Why have you cut our supply lines? My men are dying not of enemy fire, but of hunger and malaria. We need at least a supply of food and medicines, if not all that you promised. Difficult. Very difficult, Boss Kaka. I've been asked to cancel the infall operations. And why, may I ask? Japan is now directly under attack from Americans. We cannot hold Burma. How can we march into India? Headquarters would like INA troops also to withdraw. We will never withdraw. My men did not fight for so long without food and ammunition for nothing. I know. When I got the telegram from headquarters, I wept. I had no courage to face you. But an order is an order. I've called my men back. You can do that, General. But I'm not fighting a defensive war. I'm fighting for India's freedom. I know. I'm grateful for all that you have done for our cause, General. जय हिंद नेताजी। नेताजी, हमें अपनी फौजों को पीछे बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जापानी अब न तो हमें एयर कवर दे रहे हैं और न ही आर्टिलरी सपोर्ट। तुम फौज को मुड़ने का हुक्म दे दो। मैसेज रिपीट सर। नो, मैसेज रिपीट सर। ओ नो। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है, हमें फ्रंट लाइन छोड़कर फौरन रंगून के रास्ते पीछे हटना पड़ेगा। हेडक्वार्टर हमें रसद और हथियार सप्लाई नहीं कर सकता। कैप्टन आबिद, यस सर, जवानों से कहो कि वापस जाने की तैयारी करें। यस सर। कैप्टन साहब, क्या जवानों रिट्रीट के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन, चलो चलो, उठा लो अपना अपना सामान, और जो नहीं उठा सकते हो तो चला दो उसकी यही होली। चलो चलो, मूव मूव मूव। बस सर, बस।
और की हुआ नैनसिंह? नहीं सर, मूव मूव मूव। बस क्या हुआ सर? अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता सर, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए। हिम्मत नहीं हारनी हमें, आगे बढ़ना है, चलो। देखा सर जी आपने, यही चाहते थे ना आप, यही। मैदाने जंग में हम लोग अपने हथियार लेकर दुश्मन के छक्के छोड़ाने के लिए तैयार थे, हूं ऐसी पीठ दिखाकर चूहे बन गए चूहे। आगे चलो चलो। ओ छोड़ो सर जी, चलो यारा, मैं चकदा तेनो, चला। शाबाश, चला। सावधान, जय हिंद। बैठ जाओ। गांधी ब्रिगेड के बहादुर सिपाहियों, जंग में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना जरूरी होता है, जैसे इस वक्त ना चाहकर भी गांधी ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नाज है तुम पर, जिस जाबाजी से अपने मादरे वतन के लिए तुम लड़े हो, मुझे फख्र है तुम सब पर, और अफसोस है कि मैं एक एक को छाती से नहीं लगा सकता, हर एक के साथ हाथ नहीं मिला सकता। मगर मैं तुम्हारे अफसरों से कहूंगा कि वो एक एक की पीठ थपथपाएं और शाबाशी दे तुम सबको। जय हिंद, जय हिंद। आबिद हसन सफरानी, गांधी बटालियन रिपोर्टिंग सर। आबिद बैठो सर। आबिद, मुझे कोई नहीं बता रहा तुम सब पर क्या गुजरी है, तुम मेरे अपने हो, तुम ही को बताना होगा। सर मुझे एक जापानी अफसर की बात याद आ रही है जो रिट्रीट के वक्त उसने मुझसे कही थी। सही सर, आई टेल यू वेरी फ्रेंकली सादा, सिचुएशन नॉट सो स्लाइटली वेरी गुड। सर हालात थोड़े थोड़े खराब, बहुत अच्छे नहीं थे सर। हालात थोड़े थोड़े खराब हर जगह हैं आबिद। नाम्बियार ने खबर भेजी है, हिटलर ने हमारे दोस्त फॉन ट्रॉट को फांसी पे चढ़ा दिया है। किस लिए? हिटलर के कत्ल की साजिश के इल्जाम में। मुझे फिक्र है फॉन ट्रॉट के बाद हमारे इंडियन लीजन के जवानों का क्या होगा। ये जर्मन अपना वादा निभाएंगे या फिर हमारे लोगों को भी मौत का सामान कर देंगे। मेजर ढिलों, पता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? नहीं सर। हम जंग में दुश्मन को हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, सता तो सकते हैं। मैं चाहता हूं तुम गुरिल्ला वॉर करके दुश्मन को उलझाए रखो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें फ्रंट पर बची हमारी आखिरी ब्रिगेड की कमान देना चाहता हूं। यानी नेहरू ब्रिगेड की? सर मैं तैयार हूं सर। शाबाश। और कुछ पूछना, कहना या मांगना चाहते हो? नहीं सर। लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता था। तुम्हारे ब्रिगेड के 600 साउथ इंडियन जवानों पर बगावत का मुकदमा चल रहा है। मैं तुम पर जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन इन लोगों को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हूं सर। दिलो, आज तुमने मेरे सीने से एक बोझ हल्का कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद। हरी सिंह सर। हरी सिंह, बर्मी किसान बता रहे हैं कि अंग्रेज चिनविन नदी के उस पार कुत्ते मार रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला जरात को ही हो सकता है। तुम अपने साथियों को लेकर पॉन्टून ब्रिज की जगह के ठीक सामने वाली पोजीशन ले लेना। जी मेजर साहब। जैन सर। तैनात। शाबाश शाबाश। जवानों सावधान। जैन सर। जैन। जवानों, नेताजी ने तुम सबको कोर्ट मार्शल से बरी किया है, क्योंकि उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। अब हर कीमत पर तुम्हें उस विश्वास की रक्षा करनी है। यस सर। मैं लांस नायक पवित्र, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की दो लाइनें याद हैं सर। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ओए पवित्रन, अगर तुम्हारा निशाना तुम्हारे शेर की तरह सही हुआ ना,
तो मजा आ जाएगा। शाबाश शाबाश। जय हिंद सर। जवाना पोजीशंस। In my opinion, we need to cross the river in at least 5 different points. The moment we find even one chink on the other side of the river, we can unfold the pontoon bridges and get the tanks across. No, Evans, it won't work. They're much too firmly entrenched here on the other side of the river. Any further crossings will only add to our casualties. We must discover their exact positions. Evans, dispatch the decoy boats immediately. सिपाहियों की दोनों बुलेट बेल्ट खाली हो चुकी है। बर्बाद करने के लिए हमारे पास एक भी कारतूस नहीं है और खाली नाव भेजी है हमें आजमाने के लिए। देखो असलाहे का इस्तेमाल संभाल कर करो, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हमें, यह तो महज एक शुरुआत है। Evans, radio Air Vice Marshal Vincent to send in his flying machines and flush out Bose's men, right? Yes, sir. Good. एक सिपाही को वो छोड़ेंगे नहीं। हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हम सबको फूट डालेंगे। छोड़ दो मुझे। Evans, I never thought that crossing the Chindwin would take so bloody long. I've had to face one or two river obstacles in my day, but I cannot remember an instance where a river was defended so successfully by so few men. I fail to understand why these ragtag soldiers are fighting so bravely. What do they expect to gain from this madness? They say they're fighting for their freedom, sir. Nonsense. Freedom from what, I wonder. Right. मैं जब भी अपने किसी फौजी के शहादत की खबर सुनता हूँ अपने आप से पूछता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। इतने सारे लोगों की जान कुर्बान करने का मुझे क्या हक है। तो क्या हम हथियार डाल दें? इससे तो अच्छा होगा हम आत्महत्या कर लें जापानियों की तरह हाराकिरी। नेताजी कभी आप गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। आई मस्ट टेक लीव नाउ सर। सुबह होने से पहले मुझे माउंट पोपा पहुंच जाना चाहिए। कर्नल गुड लक। थैंक यू सर। पोपा पर्वत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है सर। और हाँ मेजर ढिल्लों से कहूँ आज से उसका ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल का है। जी नेताजी। चलता हूँ लक्ष्मी। अगर तुम दोनों को बात करनी होगी तो मैं सब बातें अब आराम से लौट कर होंगी।
अभी तो काम का वक्त है। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड बाय। बाय। ये बहुत कमाल का आदमी है लक्ष्मी, इसे कभी छोड़ना मत। जो एक बार बन जाता है नेताजी, वो छूटता कैसे? अच्छा, आप इस बंधन को कैसे समझ सकते हैं? फिरता रहा मैं देश देश, मन में उसे बसाए, उसके इर्द गिर्द जीवन के लम्हे मिटाए बनाए। आजादी के परवानों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और मेरे बर्मीज मेजबानों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे मुखातिब हूं। आज आजाद हिंद फौज के बहादुर जवान जिस मकसद से आगे बढ़े थे, उस लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने को है। अंडमान और निकोबार, जो अब शहीद और स्वराज के नए नाम से जाने जाएंगे, और मणिपुर में भारत की पावन भूमि पर हमारा तिरंगा फहराया जा चुका है। बदकिस्मती से बेमौसम बरसात और कहीं कहीं सप्लाई की कमी की वजह से हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप लोग जो मैदाने जंग में न जा पाए, वो दिखा दें कि आपका बलिदान भी किसी से कम नहीं है। आज आईएनए को आपके धन दौलत की ही नहीं, आपकी भी जरूरत है। और अगर तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया, तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। जी, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, इसे इस बच्चे के हाथ से ले लीजिए। बस अपना हाथ इसके सर पे रखकर इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दो। ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता माँ। पर क्यों साईं? क्योंकि ये बहुत कम है माँ। मेरी भरतार की मौत के बाद बस यही बचा है। अगर तुझे और चाहिए तो अपनी दुकान और घर बेच दूंगी। नहीं माँ, अगर तुझे देने की जिद है तो अपना सबसे अनमोल खजाना मुझे दे दे, अपना ये बेटा। पर लक्ष्मण मेरा इकलौता है, ये चला गया तो इस बुढ़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीत पाए थे, तो मैं कैसे जीतूंगा? जा लक्ष्मण, जा, आज हम जीते जी तर गए हैं। अरे कौन सोच सकता था कि इस जन्म में तुझे नेताजी जैसा बड़ा भाई और मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा। तू सिर्फ हम दो भाइयों की माता नहीं है माँ, बताए तो कौन है? भारत माता। जय हिंद सर। जय हिंद लक्ष्मण। दुश्मन की क्या खबर है? सर अब तो मैं भी थक गया हूँ दुश्मन का रास्ता देखते देखते, और मुझे तो लगता है दुश्मन कहीं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया। नहीं, मुझे तो लगता है कि दुश्मन आज कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। तो आने दो सर, हम भी उनका यही इंतजार करेंगे। गुड, ठीक है।
रानी झांसी ब्रिगेड की बहादुर सेनानियों, आजादी का जो चिराग आपके दिल में जल रहा है उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता, लेकिन जंग का रुख अब बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बहादुर लड़की किसी विदेशी की गिरफ्त में आ जाए, इसीलिए मैं अपनी रानी झांसी ब्रिगेड को पीछे हटने का आदेश दे रहा हूँ। नहीं नेताजी, हम लोग मर जाएंगे पर पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे अपना वादा निभाने दीजिए, जियावाड़ी कैंप के घायल मरीज और आपकी रेजिमेंट को रंगून वापस दिया जा रहा है। यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। नेताजी, आपने मुझे जो नफा कहा है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, यहाँ का काम हो जाने के बाद मैं फ्रंट के पास कलो फील्ड हॉस्पिटल का चार्ज ले लूंगी। जय हिंद। शहर से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। आज अपनी जंग के इस अंधेरे दौर में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आने वाले सवेरे की तरफ देखना चाहिए। अय्यर साहब, मेरा यह संदेश आपको यहाँ के हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाना होगा, और देखिएगा कि आज़ाद हिंद बैंक की पूरी हिफाजत हो। ये पैसे हमारे नहीं, हिंदुस्तान की अमानत हैं। जय हिंद सर। रानी झांसी ब्रिगेड की लड़कियों को जापानियों ने ट्रेन से उतार दिया है सर। मैंने उन लड़कियों के घर वालों से कहा है मैं पूरी हिफाजत से उन्हें घर पहुँचाऊँगा। जनरल इसोदा कहते हैं कि एक दिन अगर और रुक जाएं तो कुछ ट्रकों का इंतजाम हो सकता है सर, मगर दुश्मन के हवाई जहाज़ों के डर से सारा सफ़र जंगल के रास्ते तय करना पड़ेगा सर, और वो भी रात में सर। अगर ऐसा है तो रानी ब्रिगेड के साथ मैं खुद जाऊंगा। नेताजी कहाँ है? वहाँ गए नदी किनारे। उस तरफ गए हैं? हाँ, उस तरफ। रात से पहले हमें नदी पार करनी होगी, वरना हम बैठे बैठाए निशाना बन जाएंगे। लेकिन नदी तो उफान पे है सर, और उन लोगों ने तो पुल को भी उड़ा दिया। कुछ भी हो, मैं लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भले ही तैर के जाए। But it is not safe. We don't know how deep the river is at this point. मेजर मलिक सर, नदी में उतर कर खा लेने का खतरा उठाओगे? क्यों नहीं नेताजी। मैं भी नेताजी। गुड बोस काका, we can't take the trucks across the river. नेताजी, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो पानी का बहाव तेज होने का खतरा है। हम एक लंबी रस्सी पकड़कर एक के पीछे एक नदी पार करेंगे।
नेताजी कहाँ है? अपने कमरे में। जब से उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी है उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है। जब भी कभी उनका दिमाग उलझता है ऐसे ही ध्यान में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। आइए। अय्यर साहब आप क्या खबर लाए हैं? स्पीक अप मैन। नेताजी अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हीरो ही तो एक दो दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। आज बहुत घुटन है यहाँ, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। अब सोचना यह है कि आगे करना क्या है। क्या हम भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। हबीब जी, फौज को डिसबैंड करने की तैयारी शुरू कर दो। सबको उनका एक एक पैसा मिल जाना चाहिए। जी नेताजी, आई टेक केयर ऑफ इट। चहन सर, आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो आज काम कर लेते हैं। कल से फिर आराम ही आराम है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है। जब बरतानी फौजें सिंगापुर पहुंचे तो मैं चाहता हूं माउंटबेटन की पहली नजर हमारे इस स्मारक पर पड़े। तैयार कर पाओगे तब तक? जी नेताजी, पर अंग्रेज यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं सर, और इस वक्त जरूरी है कि आप सिंगापुर से फौरन चले जाएं। सर, हबीब सारे जवानों का हिसाब हो गया? कल तक हो जाएगा सर, पर सब बेहद अफसरदा हैं कि उनकी फौज को डिसबैंड किया जा रहा है। फौज को डिसबैंड करना जरूरी था ताकि हमारे जवान अंग्रेजों के हाथ न पड़े, पर सबसे कह देना जंग अभी जारी है, हालात बदलते ही हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जी नेताजी। सर, I'm Captain Kiano, sir. There is a slight change in your flight plans. General Shida's plane to Manchuria has only two seats available. You have to choose whom to take, sir. What kind of choice is this, Captain Kiano? How can I go alone leaving my team behind? Tell me, when is the next plane where you can put us all together? I do not know, sir. Tomorrow, next week, Saigon not safe for you. The French forces are coming quickly. You have to leave now, sir. सर, मैं आपके साथ चलता हूँ सर। नहीं आबिद, हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे सब तक पहुँचा देना। यस सर। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद अय्यर। General Shida is getting impatient, sir. You have to leave now. Habib bhai, jaldi kijiye, mere paas waqt nahi hai.
साथियों, आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों का खून जल्द ही रंग लाएगा। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। जय हिंद। According to a Reuters report, the Indian Quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the provisional Indian government in exile, died in an air crash at Tai Ho Ku Airport in Formosa. The report added that General Shidai, the commander of the Japanese forces in Manchuria, also died in the crash. This is the BBC World Service, broadcasting from London. No. ऐसे हिम्मतवर इंसान मर नहीं सकता। काकू अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। That this train is not to stop anywhere. Get back! Get back before I shoot! Hamare jawano ko chhod do! The accused, Captain Shaw, Nawaz Khan, 1x14 Punjab Regiment. Captain P.K. Sehgal, 2x10 Baloch Regiment. Lieutenant Gurbakhsh Singh Dillon, 1x14 Punjab Regiment, did wage war against His Majesty the King, Emperor of India. मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक तरफ मेरा मुल्क और दूसरी तरफ है बादशाह जिसके नाम का मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। मैंने आजाद हिंद की आर्जी हुकूमत की बाकायदा फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद कराने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशन के तमाम कानूनों को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और इसे मैं जुर्म नहीं समझता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। हम लोग अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने शहीद होने आए थे। जय हिंद। दिल्ली से नेताजी के जांबाजों की गरज सुनकर कानपुर, कराची और गिलगित में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उधर बंबई, विशाखापट्टनम और कराची के बंदरगाहों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। उनकी हिमायत में हिंदुस्तान के कई शहरों में जनता उमड़ पड़ी। अब अंग्रेज उलझन में पड़ गए। I have a question here from the Prime Minister, Mr. Attlee. If there is a mass upsurge by Gandhi and his people, as well there might be if the talks in Simla break down, do you think the Indian Army will obey orders and put it down? I know from my long experience of Indian troops how hard it is for even the most sympathetic British officer to gauge the feelings of the Indian soldier. None of us today know how the Indian ranks feel about the INA. In my opinion, I think there's a growing sympathy for the INA. In short, you're telling me that the Indian Army can no longer be trusted upon to fight for us, and it's time we left the country. लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे। पर अगर वो ना होते और उनकी आजाद हिंद फौज, तो हिंद न जाने कब आजाद होता। Oh,
जागे हैं अब सारे लोग तेरे देख वतन तुझे है नारों से अब ये समी और ये गगन कल तक में सब रास्ते कल तक में